और लैग जो अंपायर है वे भी अपना काम पर जाए। बहुत लक्का भी है कार को। मैच स्टार्ट होने जा रहा है उसी चंद मिनटों में। बहुत लका वी एस कारपुर और नेक्स्ट मैच है बावला वी एस नमक फिरोजपुर। बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है शिकारपुर वर्सेस खोतला का। अगर कोई बाहर का खिलाड़ी हो जो एम्पायर कर सके तो वो कमेटी में आए, हम उनको एम्पायर बनाएंगे। बल्लेबाज चल कैमरा मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, आप कहीं ना जाएं। बिल्कुल क्रिकेट वायरल लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और अपने घर बैठ के बेड पर देखें मैच पॉपकॉर्न के साथ। भैया समीर आपको पता है ना कौन सी टीम खेल रही है, मजा ले रहा है तो दे दी मजाक चौधरी की ना तो ग्राउंड में हाजी के बालू फिर भाई बात लगे बटे समीर आपके लिए हम बता दे शिकारपुर वीएस बहुत लायका टीम का मैच है आज। कौन सी टीम खेल रही भाई? शिकारपुर खेल रहे शिकारपुर। यार मैं ओके शिकारपुर बैटिंग कर रही है टीम ने भी इनको खरीदा है। बहुत सेमीफाइनल बहुत अच्छी पारी खेली थी बनाए थे और वही शकील पर तीसरी आउट हो गए। शिकारपुर टीम खेल रही पहले भाई, शिकारपुर ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग की। तो यहाँ दोनों टीमों से दरख्वास्त है अपने आराम से बैटिंग के बाद बैटिंग वाली बैटिंग के लिए पहुंचे। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं फजल खान की, ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, इनके काफी रिकॉर्ड है 20-20 मैचों में काफी रिकॉर्ड है। ये काबिले तारीफ बल्लेबाज है, ये देखते हैं क्या आज स्कोर अपना बेहतरीन बना पाएंगे या नहीं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से बहुत उम्मीद है खड़ा कर पाएंगे दोनों खिलाड़ी। वीडियो बना रहे हैं हम, वीडियो मांगे माना, अगर हमारा तावड़ो कोई होता ना तावड़ो कोई सब काम खिलाड़ी होते खिलाड़ी खेलते, ये ना मानते ही कहता है पार चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकेट को ठोक रहे हैं, गिनने नहीं देंगे विकेट को। मैंने कि तू चेंज मत करा, मैंने कि आज मैच में और करेंगे, मैं तो एम्पायर आई रहे हम चाहेंगे ही, मैंने कहा भरोसा
यास क्रिकेट के। इनसे काफी उम्मीद है आपकी, अब की बार अपना रिकॉर्ड तोड़े, तीनों पांचों मैचों में जीरो पे गए खिलाड़ी, आज कुछ ब्लास्टिंग करेंगे। मैक्सवेल की याद आ जाती है, उसी तरह से पकड़ते हैं बल्ले को। पहली बॉल आज बल्लेबाज उलगा को खड़ा करो, हम उलगा को आज बेहतरीन बॉल डाला है बॉलर ने, काफी उम्मीद है बॉल से, और जैसा कि बात की गई कि टीम में कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे। कोई ना देखता रहा, कल पूर्ण है थोड़ी सी दिक्कत, काफी तारीफ बॉल डाली है वहां से, टीम को बीट कर दिया खिलाड़ी ने। कैमरा सामने अच्छा, या वजह से मैंने आज चेंज कर लिया। आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लाइव को शेयर कर, और मैच स्टार्ट हो चुका है। यहां पे मिलेंगे चार रन, ये बॉल नहीं रुक पाएगा, ये तो टेबल तोड़ शॉट है, ये हमारे खिलाड़ी जैसी बात की थी वैसे ही खड़े उतर रहे हैं, उन्होंने अभी तक पांच मैचों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये चौके से शुरुआत की इस खिलाड़ी ने, काबिले तारीफ शॉट मारा इन्होंने। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार दिया थर्ड मैन की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी पहले से मौजूद और बॉल को जाने नहीं दिया, इनकी गिरफ्त में बहुत पकड़ है, बॉल को जाने नहीं देंगे खिलाड़ी। ओए जय जय खाली खाली आओ जाने नहीं खाली बोली ना पहली बॉल डॉट ही ना। एजाज अपना अगला बॉल डालते हुए भाई कमेंट में बता दे क्वालिटी वाली कैसी है, काफी उम्मीद है उसकी टीम को। मुझे लग रहा है खिलाड़ी कैप में मारना चाहेंगे शॉट को, ये यहाँ पर स्टील ने बॉल को वही पे पुश कर दिया है, मारने के फिराक में थे लेकिन बॉल चूक गई, उन्होंने समझ लिया बॉल की गति कुछ ज्यादा नहीं है। अगलो मैच है भाई बावले वीएस वाको नमक फिरोजपुर, यहाँ पर थोड़ा सा दुख का सामना करना पड़ेगा सकील को, तम तो अपने धांसु मैच का यार धांसु कौन खेल रहे, शिकारपुर खेल रही भाई शिकारपुर। अगला बॉल ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार दिया शॉट को, और देखते हैं क्या होगा, जी ये शॉट नहीं रुक पाएगा, ये दर्शकों में चीर के जाएगा, खिलाड़ी से तो रुकेगा नहीं ये शॉट, ये बहुत ही बेहतरीन डीप कवर में मारा सकील ने शॉट, पहले देख लिया था खिलाड़ियों को, वहां कोई नहीं था, गैप का फायदा उठाया, इसी के साथ वन बाउंड फोर। यहाँ वसीम अब्दुल ने सकील के लिए अनाउंसमेंट किया है, अगर सकील छक्का मारता है 200 रुपए मिलेंगे उसे, घड़ी दिक्कत रहा है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा हुआ। आज बेहतरीन तरीके से खेला इस शॉट को, वही में सिंगल लेना चाहते थे लेकिन तालमेल नहीं हुआ आंखों में, एक ओवर की समाप्ति पर 8 रन, फजल बैटिंग कर रहे हैं भाई, हाँ फजल बैटिंग कर रहे हैं, अब स्ट्राइक पे फजल ही है। यहाँ पे एजाज ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाला था दो बॉलों को, फील्डर सब बैट्समैन समझ नहीं पाया था लेकिन फिर उसने अपनी लेंथ चेंज कर दी, वो शॉर्ट पिच के चक्कर में लॉन्ग साइड बेहतरीन बॉल फजल ने इसको पुश कर दिया, और यहाँ पे क्या छोड़ता है नहीं, ये विकेट गया है, ये बहुत ही तगड़ा झटका लगा है शिकारपुर टीम को। यहाँ पे निराश होकर पवेली तरफ लौटते हैं फजल खान, काफी उम्मीद थे इनसे, उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे खिलाड़ी, बहुत बेहतरीन बॉल डाली थी, बैट्समैन को पढ़ लिया था, यहाँ बॉल डालेंगे तो थर्ड मैन भी कैच उठेगा, और कैच वहाँ पे ड्रॉप नहीं करते खिलाड़ी, ये भूतला के नाम से जानी जाती है खिलाड़ी, काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, काफी काबिले तारीफ फील्ड रहे शिकारपुर वीएस भूतला का, और शिकारपुर पहले बैटिंग कर रही है भाई, यहाँ बड़ा झटका लगा है फजल के रूप में,
अब कौन आया? अरमान आया। भाई लाइव तो क्रिक हीरोज पे ना चल रही, और स्कोर चल रहा क्रिक हीरोज पे। कहाँ करो ये, मतलब कैसे कहाँ कैसे मारो? सेटिंग हो करी। कैसे कहाँ हो? अच्छा मतलब जैसे वो है ग्राउंड पे राउंड कर रहा है ना? मैं सेटिंग कर देता हूँ, ये बंद कर दी। जब है ये ऐसा मैं बंद कर दी और डायरेक्ट वो स्कोरिंग करेगी। हाँ चौका चौका यू है। जब ये एरिया मांग रहे हो कोई दिक्कत ना, जब ये एरिया मांगे होगे ना। अब चौका चौका मतलब हम ना देनो पॉइंट को, एरिया शॉट दिखाने की जरूरत ना। हाँ अगला बैट्समैन है अरमान, अरमान का साथ देंगे यहाँ पर शकील खान। काफी बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं, छह गेंदों पे 8 रन बना रहे हैं। अगला बॉल ये अरमान ने वहां पे रोकना चाहा शॉट को, वहीं पे रोक दिया। वो समझ नहीं पाए बॉलर की गति को और बॉलर ने वहां चकमा दे दिया इस खिलाड़ी को और बॉल को स्लिप में मारना चाहते लेकिन दिशा से भटके खिलाड़ी। अगला बॉल कादर, बहुत ही बेहतरीन शॉट मारने का प्रयास यहाँ पे अरमान द्वारा, सिंगल रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये खिलाड़ी सिंगल रन में बड़े माहिर है भाई। टूर्नामेंट का मुकाबला नॉकआउट मुकाबला, जो टीम हारी वो बाहर, लेकिन वो बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट से। जो सी भी टीम हार गई वो बाहर है, संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। अब बल्ला दूसरा ले होगा, बल्ला है शकील। जो उनसी भी टीम हार गई वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी भाई। बेहतरीन बॉल डाला लेकिन वहां पर बल्लेबाज को साथ मिला है और बॉल नहीं रोक पाए। सिक्स बहुत ही बेहतरीन छक्का, इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल शॉट गगन चुम्बी। शकील एक अनाउंसमेंट आपका प्लस हो चुका है, आके कमेंट्री बॉक्स में से ले सकते हैं वसीम पिस्टल द्वारा। ये पिस्टल बड़े जाने माने काम की शान है, मान है, आन है, बान है और वीआईपी बॉक्स में इसका इनाम जमा हो गया है। ये काफी दिलदार खिलाड़ी है, इसे बोला जाता है रमी का बादशाह और तीन पत्तों में तो पोखर को फेल कर देते खिलाड़ी। ये अगला अनाउंसमेंट शकील के लिए भाई, अगर शकील छक्का मारता है 200 प्लस होते हैं। ये मुझे लगता है वसीम रुको की बौछार कर देंगे शकील के लिए। गगन चुम्बी शॉट, शकील ने एक छक्के का अपना काफी बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया इस खिलाड़ी ने। चेचा की स्क्वायर लेग में शॉट को घुमाया था वहां पे और लेग साइड में घुमा के फेंक दिया सीधा गगन चुम्बी शॉट। अगला बॉल कादर लेके फिर को वहीं पे कुछ जाता हुआ और वहां पे एक्स्ट्रा कॉर्नर खिलाड़ी मौजूद थे, बॉल को पकड़ के फेंक दिया बॉलर के हाथ में, नहीं देने रन। भाई मैच क्रिकेट टूर्नामेंट का सेकंड राउंड का मैच है, शिकारपुर हीरोज यानी कि जो शिकारपुर की बड़ी टीम है वर्सेज भूत इलाका ब्लास्टर के बीच चल रहा है। 16 रन बना लिए हैं शिकारपुर ने, एक विकेट गिर चुका है। कमेंट्री तीन आदमी कर रहे हैं, तीन रन कहलाओ, चौथा कोई कमेंट्री ना करे वहाँ के, ठीक है? एक दूसरे पर टिप्पणी करे यहाँ के, फालतू की बकवास कोई नहीं करेगा। अच्छा चौधरी बन रहा हूँ ही ना जा हमारे पीए। ये कमेटी मेंबर ने हमारे सदस्य ने अनाउंसमेंट किया है शिकारपुर का स्कोर जो है 14 बनेगा उसको 14 नहीं बना दिया जाएगा। खजल बिना खाता खोला उठ हो चुका है और जो आगे कुछ डाउट हो वीआईपी बॉक्स में आके शेयर कर सकते हैं अपनी पर्सनल गुफ्तगू। कमेंट मैन तफीम के साथ अरमान कोहली सत्रह एक दो ओवर की समाप्ति। अगला ओवर एजाज बहुत ही बेहतरीन शॉट, वहां पे खिलाड़ी मौजूद पॉइंट पे मारा शॉट को चूक जाएंगे। बेहतरीन प्रयास अरमान द्वारा, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा शकील को।
यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से 17 ओवर हो चुके हैं यहाँ पे शिकारपुर के, 8.5 की रन रेट लेकर चल रहे खिलाड़ी। अठारह रन, एक अभी सिंगल चोरा, उसको हम भूल गए थे, सॉरी क्षमा कीजिए। एजाज, ये एजाज पंख द्वारा डालते हैं बॉलों को, ये खिलाड़ी दिया खिलाते हैं बॉल की। दो मैच काम खत्म, ये शकील घुमा के मारना चाहते लेकिन वहाँ पे बीट हुए, वहाँ पे चूके बॉल बैट में कुछ संपर्क नहीं हो पाया। एजाज उनको पढ़ लिया एजाज ने, क्योंकि पिछली बॉल पर बहुत ही बेहतरीन छक्का मारा था शकील ने। ये खिलाड़ी याद दिलाते हैं मिचेल स्टार की, काफी अनुभव है इनका क्रिकेट में। उम्मीद बहुत पकड़ी है और उम्मीद पे खड़े उतर रहे खिलाड़ी, बेहतरीन शॉट शाह, बहुत तगड़ा लास्ट मिनट जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं सकी, और वसीम पिस्टल बादशाह समय बाद उन्होंने दो छक्के लौटे हैं और इस फॉर्म काबिल दर्द करने की जरूरत भी है, मेंबरों की बहुत पैसे बचा रहे हैं खिलाड़ी दर्शकों पे खिलाड़ियों पे, और सभी बच्चों को कोल्ड ड्रिंक दे दी जाए पर रेड बुल। एजाज चले एक बार फिर सकी, बेहतरीन बॉल यहाँ पे, समझ गए बहुत अच्छा शाबाश, बहुत बढ़िया चार रन, बॉल निकलो चलिए के पानी में डुबकी लगाने का, ये बॉल ये चार रन से कोई नहीं रोक सकता, ये शॉट नहीं ये गोल निकली है। शिकारपुर का स्कोर बढ़कर हुआ 26 रन, एक विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर पारी का चल रहा है। हमने कहा पति तक बनिया जाएगा, ये सुबह दिन चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, और जिस भाई को स्कोर अपडेट मारना कमेंट सेक्शन में आके कमेंट में लिख के अपना स्कोर पूछ सकते हैं। यहाँ पे सुबह दिन दिलावट काफी पॉपुलर चैनल है, इनका कैरी मिलाटी से कंपेयर किया जाता है इस चैनल को, काफी मेहनत करते हैं अपने चैनल की, खिलाड़ियों के पीछे लगे रहते हैं, जहाँ भी मैच जीत जाए वहीं पे जाते हैं मैं लाइव स्ट्रीम करने के लिए, चल करो कोई बदलाव, बहुत बेहतरीन समय निकाल रहे हैं अपने युवा खिलाड़ियों को। मैं रात आ रहे थे फोन नहाया, जब आया मैं लेट, फिर आके नहीं मैं रोटो दिखा के नहीं मैं यहाँ पे बॉल थोड़ा गीला हो गया, यहाँ पे बैट्समैन को देखते हैं बॉलर का साथ, बहुत ही बेहतरीन स्कोर शिकारपुर के, 26 रन बना लिए, तीसरा ओवर चल रहा है। ये हमारा चैनल क्रिकेट वाइल्ड लाइफ, इस पे लाइव स्ट्रीम देखने के लिए सब्सक्राइब किया जाता है, इसको सब्सक्राइब कर ले और कहीं भी मैच देख सकते हैं आप, छत पर बाथरूम में वर्कशॉप में ऑफिस लाइन में कहीं भी। अगला बॉल, ये कमाल में यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं खिलाड़ी, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, 11 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे हैं जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल। एजाज चले एक बार फिर शकील के लिए, ये क्या शकील ने बॉल को थाम लिया था, यहाँ पे नहीं रुकेगा शॉट, देखते हैं यहाँ पे खिलाड़ी ने पकड़ लिया बॉल को और दूसरे रन के लिए भागे हैं और संपर्क नहीं हुआ, सीधा बॉल के लिए 2 रन हो गए, यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये स्क्वेयर लेग शॉट था, ये नहीं रुक सकता लेकिन रोक लिया खिलाड़ी ने, वहाँ पे खिलाड़ी बेहतरीन तरीके से जमे हुए थे फील्डिंग लेके, उम्मीद नहीं थी रुक जाएगा लेकिन बेहतरीन यहाँ पे भूतला का टीम फील्डिंग में बहुत ही बेहतरीन काबिल तारीफ कर देंगे खिलाड़ियों की, और उसी तरह से मात्र 12 बॉलों पे 25 रन बनाए इस खिलाड़ी ने, 208 का स्ट्राइक रेट चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोक के समझ नहीं पाए, वहाँ पे एजाज ने
जैसा कि सकीन ओवर को समझ नहीं पा रहे और ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति 28 रन पर एक विकेट गया। 28 रन यहाँ पे थोड़ी सी निराश नजर आ रहे हैं ग्रामीण खिलाड़ी, जैसा कि फजल खान मेवात ओवर के लिए जाने जाते हैं, उनसे उम्मीद थी लेकिन बॉल को समझ नहीं पाए, भाग्य का साथ मिला। हेलो थर्ड मैन की दिशा में आसानी से कैच दे दिया, थोड़ा खामियों का सामना भुगतना पड़ता था टीम को, लेकिन वहां पे बात की जाए सकीन से बहुत उम्मीद है, हम भी सीमेंट की तरह टिके पर एक खिलाड़ी से पहले ही नहीं जाने देंगे अपना विकेट खर्च किया और सफलता फजल के रूप में जैसा की बात की जाए बॉलिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, और कैप्टन कादर की काबिल तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की, काफी सोलह के खिलाड़ी है 298 मैच खेले 20 और 3 बार ये चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत सकते हैं, जीत गए हैं जीत सकते नहीं सॉरी जीत गए हैं, रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं शकील घुमा के मारना चाहते थे द्वारा पे थोड़ा अपील होते हुए सारे खिलाड़ियों में, लेकिन एम्पायर ने नकार दिया, कह रहे नहीं मैं बाहों को नहीं फैलाऊंगा क्योंकि विकेट नहीं था। स्कोर है 29 रन, पारी का चौथा ओवर चलता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर अरमान कोई असर नहीं है, एम्पायर खड़े हुए अंबुजा सीमेंट के लट्ठे की तरह मना कर दिया, नहीं नहीं हो सकता, यह बहुत तगड़ा उसमें शकील ध्यान से सुन ले, 2 छक्कों पे 1100 रुपए जो सा खिलाड़ी मारता है शिकारपुर टीम के लिए लगातार, कादर चले एक बार फिर शकील के लिए बहुत ही बेहतरीन घुमाने का प्रयास, लेकिन बीट हो गए वाइड वाइड है ये शेप हाथों को उठा लाते हैं जब खाने बोल रहे हैं ये शाहरुख खान की तरह वाइड देंगे हम इसे, ये वाइड दिया पहले बाहे फैला कर इन्होंने, जैसा की यहाँ अनाउंसमेंट हो चुका है चले एक बार ये मार दिया की दिशा में के पीछे जा रहे खिलाड़ी से रुकेगा नहीं शॉट, ये 4 रन कमेंट्री शिकारपुर और चौके के 100 रुपए कमेंट्री वीआईपी बॉक्स में आगे ले जा सकता है खिलाड़ी, इन 4 रनों के साथ शिकारपुर के स्कोर बढ़कर हुआ 34 रन और लुकमान की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है आपके शकील के लिए, उन्होंने कैप में मारना चाहा शॉट लेकिन कैप और थर्ड मैन की दिशा में खिलाड़ी खड़े थे और बॉल वहां से थोड़ा सा चूक हुआ और 4 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं 29 रन बनाकर, यहाँ तगड़ा लॉस पर 3 छक्कों में साकिर पहलवान उप पहलवान, ये पहलवान की कंपनी दरवाज कोटी गांबा से की जाती है, 2100 रुपए का लॉस मैट किया है यहाँ पे 2 छक्कों के लिए, कादर चले बोला नहीं जाएंगे आज हाथों में कई गोल लगा का एक खिलाड़ी नहीं जाने देंगे बॉल को, स्कोर हुआ 35, असलम खान पथराली धुलावट खेलेगी भाई कादर यहाँ अगर हैटिंग मारता है उसके लिए 400 रुपए का अलाउंसमेंट लगे कप्तान के लिए बहुत तगड़ा लकी ड्रॉ है, अगर यहाँ की भाग्य साथ देती है तो चटका सकते हैं विकेट में, एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं, ये ओवर की समाप्ति 4 ओवर 35 रन 1 विकेट 33 रन रेट लेके चल रहे 8.75 के 4 ओवर के बाद स्कोर है 35, जहाँ खाली की दरख्वास्त है खाली जहाँ भी आके वीआईपी बॉक्स में पहुंचे और कुर्सी उनका इंतजार कर रही है, कह रही है आ जाओ खाली बैठ जाओ मुझ पर, कम शादी में जाते हैं कभी बरातों में खाना कुछ ज्यादा खा लेते हैं उसकी वजह से कुछ चल रहा उसका फायदा शक्तियों का सामना करना पड़ता है, तावरू एसीपीएल वर्सेस फिरोजपुर झिरका के बीच में कुछ हड्डियों जी अगर कोई बात नहीं ये नॉर्मल सी बात है ये तो नेचुरल है होता है लोगों के अगर डिमांड है यहाँ काफी तारीफ करनी होगी उस खिलाड़ी की कादर की बहुत ही अच्छा ओवर करके गए थे विकेट चटकाया फजल के रूप में इस खिलाड़ी ने
35-4 में। या अगर कोई सा शिकारपुर का खिलाड़ी दो छक्के मारता है तो पुरस्कार वीआईपी बॉक्स में अकेले यू आर मोस्ट वेलकम। जैसा की उम्मीद के अनुसार बहुत बेहतरीन रिक्वायरमेंट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ही चल रहे थे 173 का स्कोर, प्रोजेक्ट स्कोर पाएगा, काफी उम्मीद है इन खिलाड़ियों से अपनी टीम के लिए बेहतरीन खेल। राहुल के हम खास बात करते हुए शकील अहमद से जो की उन्होंने कहा कि अभी धीरे खेले हमारे पास बताइए, यदि छक्का मारते तो कम से कम है 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार हमारे जो की सरपंच लुकमान अहमद ने बोल रखा है, बाकी वो अपने टीम के लिए खेलेंगे। मुझे लगता है कि भाई टीम के लिए खेलेंगे क्योंकि उन पर वो छोटा प्लेयर है, उनके कैप्टन आस मोहम्मद जो कि कैप्टन राहुल जबरदस्त ओप बताए कि हमारे जो बल्लेबाज फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं फजल हुसैन, उनका जो कि काफी अच्छा योगदान नहीं रहा और कादर के लिए एक एजाज ने अच्छी विकेट दिलाई। स्कोर हो गया 42 रन शिकारपुर का, एजाज चले अरमान के लिए अच्छे। ये यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा बॉल रुका है खिलाड़ियों ने समझ गए थे, यहाँ बॉलर ने कटी में थोड़ा धीमा रखा और बैट्समैन वहाँ पर समझ नहीं पाए, सिंगल रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जैसा की यहाँ बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा था अरमान से जो मेरी शॉट था, मुझे लगता था ये शॉट अंत को पार कर देता लेकिन बॉल थोड़ा तगड़ा हुआ और बैट्समैन का थोड़ा संपर्क ठीक नहीं हुआ उससे, लेकिन काबिल तारीफ शॉट कहना पड़ेगा इसे। ऐसा चले जीता भीम भाई शकील के लिए, और उठा के मारने जाता है शायद फील्डर कोई और ये कोई टेप में खेल दिया शकील ने जबरदस्त समझदारी के अपने ऊपर काफी जिम्मेवारी शकील की, जो की उसने ये तो कह के दिखा दिया पहलवान जी लुकमान जी जो हम बताएंगे उन्होंने एशिया में जबरदस्त परफॉर्मेंस थे उसी परफॉर्मेंस से आज हम ग्राम शिकारपुर में, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चाचा छेला ने कहा है कि मुझे टीम जितानी चाहिए क्योंकि मैं काफी छोटा दिल का इंसान हूँ, मुझे छक्कों से नहीं लेना कुछ भी, मुझे चाहिए शिकारपुर की जीत। और बाकी इन प्लेयरों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ पैसे मायने न रखती, ये अपनी टीम को आगे पहुंचाएंगे। कमाल मास्टर ने कहा कि हम इनाम तो इनको काफी देंगे, ये अपने लिए नहीं ग्राउंड के लिए खेले, शिकारपुर गाँव के लिए खेले। तभी भाई बॉल को अपील का पूरा फायदा उठा नहीं, यहाँ पे देखते हैं डीआरएस में दिखे क्या नींद आएगा, या थर्ड एम्पायर की तरफ डीआरएस इशारा कर दिया है खिलाड़ी ने, देखेंगे रिव्यू डिसीजन। अरे नीचे ठीक यहाँ पे थर्ड करने चलते हैं, अभी भी स्कोर है 44 रन शिकार का। एम्पायर पर वे शकील पर दांत लगाते हुए, क्या ऐसा ही करोगे शकील भाई, ईमानदारी से भी काम करो। बाकी मुझे लगता है हमारे जो खिलाड़ी है शकील अहमद अरमान बहुत ही ईमानदार खिलाड़ी है, और नौरंग पहलवान को भी पता है हमारे काफी भूख लगा की टीम है तो पहलवानी करते हैं उसका कादर भाई बहुत बड़े प्लेयर है, उनको बताया कि हम जो भी भूत लगा टीम है उनके साथ में आए भी होगा, हमें कोई क्रिकेट कराने के लिए कराया, हमने कोई ये जीतने के लिए नहीं कराया। बाकी शिकारपुर टीम और एक और वाइड बॉल वाइड और अपने हाथ हवा में हिला दिए हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है सफ्फा जो की सारे का उन पर कमाल करेंगे। और हमारे कमेटी मेंबर काफी निराश थे, नाहिद ने मुझे बताया कि क्योंकि भाई आज हमें फजल ने कुछ अच्छा नहीं किया, उनका कल का भी मैच है, चले आज अरमान के लिए और अरमान ने गेंद पे खेल दिया के साथ, देखना होगा कि धीमी गेंद बताएंगे कि जबरदस्त अरमान किसी बॉलर को कोई मौका नहीं देते, और आगे का भार संभालेंगे हमारे पाकिस्तान भाई, काफी अच्छी कॉमेंट्री करते हैं सलमान भाई शाहरुख भाई, लेकिन ये थोड़ा सा चूक गए थे बॉलर भी, अब उछल के पकड़ने का प्रयास किया, ये वो बात ही कैच गया मैच गया, अब तो स्कोर ज्यादा ही पहुंचेगा, तारीख को कैच पकड़ने के लिए कैच ड्रॉप हो गया उस खिलाड़ी से।
और थोड़ा भीगा हुआ था उसका फायदा नहीं उठा पाए खिलाड़ी ताऊडू और काफी तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। फाइनल होगा 7 तारीख को, उम्मीद है 7 तारीख 64 पे विकेट का शिकारपुर के टूर्नामेंट में मैच चल रहा है। स्क्वायर रेट लेके चल रहे हैं। ईसीआर में मैच है भाई 52 कादर का। अब गेंदबाजी करना है कादर, पावर प्ले का आखिरी बेहतरीन बॉल बेहतरीन की दिशा में खेल दिया है और बॉल नहीं रुकेगा। ये चौका, ये लगा चौका कमेटी शिकारपुर शकील द्वारा बहुत ही बेहतरीन शॉट गेंद में थर्ड मैन की दिशा में आप पहले पढ़ लिया था, वहां पे खिलाड़ी को गैप देख के शॉट मारा इन खिलाड़ियों ने। यहाँ पे शकील से काफी उम्मीद की जा रही है, खड़ा उतर रहे हैं ये खिलाड़ी। 36 रन बना के खेल रहे हैं मात्र 20 गेंदों में। चुनावी ने बेहतरीन शॉट लगाया छक्का और 6 चौके की मदद से यहाँ पे 36 रन का स्कोर बनाया इस खिलाड़ी ने शकील खान ने। और ये छक्के लगाते हैं तो पिस्टल की तरफ से 200 रुपए मिलेंगे इसे, और हैट्रिक लगाते हैं तो 1100 रुपए। और शिकारपुर टीम के लिए कोई भी हैट्रिक लगाता है छक्कों की 1100 रुपए। बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद होते हैं, पॉइंट पर शॉट निकालना चाहते थे लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी ने पहले पढ़ लिया। वहाँ पे कप्तान कादर की जितनी तारीफ करना वो पूरा कहते हैं। यहाँ पे 54 रन हो गए एक विकेट के नुकसान पे 21 गेंदों में। कादर की काफी देर तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। ये कप्तान नहीं, ये चार है भूतला की टीम की। ये कमेंट्री मैन हमारे साथ अगला कादर के साथ हम बात शेयर करना चाहेंगे। ये आपको बॉल थोड़ा स्टेडियम का स्टेडियम से रूबरू कराएंगे और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है रोमांच बनाए रखें मैच में और धड़कने थाम के रखें क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। बैट्समैन प्लास्टर चल रहे ऑन क्रीज ऑफ क्रीज स्ट्राइक रेट में सब। कादर का अगला बॉल बेहतरीन शॉट मारने का प्रयास लेकिन वहां पे चूक गए रन आउट से और गैप में चला गया बॉल। खिलाड़ी मौजूद वहां पे बॉल को अगर विकेट कीपिंग एंड पे थ्रो किया जाता तो अरमान आउट होना चाहते लेकिन थोड़ी चूक हुई। लेकिन लकी रहे दोनों ही बल्लेबाज, ये जो फील्डर थे उन्होंने थ्रो बॉलिंग एंड पे किया। अब मैं खालिद से दो बात अगला कमेंटर खालिद है जो सलाम खान भाई जो फाइनल है वो है कल 6 तारीख को। जी सर ये बहुत बड़ा मुकाबला है फिरोजपुर जिरका के बीच। कादर चले शकील के लिए और उठा के मार दिया शकील ने, कोई भी बिल्डर मौजूद नहीं। चार रन, ये धाकड़ बल्लेबाज है। अगर इसके पाले में गेंद आएगी तो नतीजा यही मिलेगा देखने को जो इस गेंद पे मिला था, क्योंकि ये बल्लेबाज क्रिस गेल से भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेते हैं कभी कभी। तो शकील बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हुए जबरदस्त। शकील के 300 रुपया में से भी कुछ खाने पीने के लिए फजल है, फजल आउट हो गए। पहली बॉल पर कैच आउट हो गए थे फजल, आज अनलक्की रहे। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें शिकारपुर 59 रन 1 विकेट 5 पॉइंट 5 बॉल शकील 41 रन बना के खेल रहे मात्र 22 गेंदों में। सात चौके एक छक्कों के साथ शकील जबरदस्त बैटिंग करते हुए। टेडी बॉल आगे और शकील अगर फिफ्टी लगाते हैं खराब हो जाओ तो फाइनल मैच हकीम सॉरी गोरखपुर झिरका और ताऊ के बीच मुकाबला होगा शायद उसमें एंट्री हो सकती है शकील की। जो कैप्टन है राशिद टीम का तो वही कंफर्म करेंगे कि कौन कौन खेलेंगे कौन कौन नहीं। शिकारपुर जबरदस्त बाकी इतना मैंने जरूर सुना है कि शायद अकरम जो साला हेडी के वो तो शिकारपुर ने जीता। आप दर्शकों को नजर आ सकते हैं की जानकारी के लिए बता दें। बाकी खिलाड़ियों का मुझे कंफर्म नहीं है कौन कौन ड्रॉप है फाइनल में जो पिछली टीम खेली थी और कौन कौन और एक्स्ट्रा बढ़ाए गए उसका कंफर्म खेलेंगे जो मेवात का अपडेट जल्दी मारो तुम क्या मारा जो चल रहा लेट
सही चल रहा है यार, ये चार हजार गाड़ी लास्ट सीना पड़ा फैक्ट्री में लगता भी करता है गणेश टीम में रिकॉर्डिंग हो जाए। नेक्स्ट बल्लेबाज आश भाई ने आश मोहम्मद काफी कलाई जैसी साली जगह साली रुकवा ली इन यार जबरदस्त टाइम बारी करते हैं बल्लेबाज के अंदर 6 ओवर के बाद 65 रन है शिकार अगर इसके पाले में गेंद आएगी तो छक्का नुकसान चौका का हिसाब न करना पड़ेगा। बल्लेबाजी कर रहे हैं 47 रन बनाकर याद दिला देते हैं 23 गेंदों में जिस तरह से खेलते हैं। और दर्शक भी कह रहे हैं कि फजल की कमी महसूस नहीं हुई, वो शून्य पे हुए तो क्या हुआ, फजल आउट हुए तो क्या हुआ, शकील जब तक खेल रहे हैं जब तक तो मजा आता रहेगा। नादर कैप्टन जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ शिकारपुर हीरोज और भूतला का ब्लास्ट के बीच में ये मुकाबला 65-6 में इतना बड़ा है कि जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। पावर प्ले का दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत जबरदस्त फायदा उठाया 6 ओवर 65 रन 1 विकेट। तारीफ करनी होगी शकील की जिस तरह से ये क्या शॉट मारे थे, खूबसूरत शॉट मारे थे और जिस तरह से वो खुद खूबसूरत है उसी तरह से शॉट लगा रहे हैं। ले वो ये साथी कमेंटर तफीम खान कह रहे हैं कि एक ओवर और करा जाए उन्होंने, ये फोन को दिखाया जाए शाहरुख स्कोर अपडेट मार देते एक बार फिर से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम काफी तारीफ करनी होगी स्टेडियम की ऑन रोड कारपुर सोना रोड यहाँ पे जलवा बिखरता है खिलाड़ियों के बीच में। ये आउट स्ट्राइक अरमान कर पाएंगे क्या अपने अरमानों को पूरा, ये काबिल तारीफ खालिद की करनी होगी यहाँ पे। ये खिलाड़ी 22 नंबर लेते हैं मुझे लगता है ये 2 नंबर से बहुत खुश है ये खिलाड़ी तभी 22 लेते हैं। और जैसा कि यहाँ हमारे साथियों बुजुर्गों का बहुत भाग्य का साथ मिल रहा है और यहाँ पे आके ग्राउंड की शोभा बढ़ा रहे हैं ये खिलाड़ी और यहाँ पे दर्शक बहुत ही बेहतरीन रोमांच मुकाबला 65 रनों पर 1 विकेट 6 ओवर की समाप्ति यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया था। और शकील की बात की जाए मात्र 3 रन दूर है 8 शतक से, 6 खिलाड़ी 3 रन दूर है मात्र 8 शतक से, क्या ये 50 लगा पाएंगे या नहीं। और बात की जाए पार्टनरशिप की 57 रन की पार्टनरशिप मात्र 29 गेंदों पे इन खिलाड़ियों की और तगड़ा अनाउंसमेंट होता हुआ कुर्री कमेटी सदस्यों द्वारा 2100 रुपए मिलेंगे भाई जो 50 मारता है तो शकील इसके लिए बहुत ही तगड़ा बेहतरीन मौका बात कीजिए 1100 रुपए करके आगे घटाकर के लिए भी तो अनाउंसमेंट करना पड़ता है बेहतरीन तरीके से। यहाँ अनाउंसमेंट और गोचार हो रही है कमेटी मेंबर सदस्य द्वारा और यहाँ हम आपको अपने दादा के साथ रूबरू कराएंगे वो आपको 2 बात कहेंगे क्या आप उनके साथ 2 बात करना चाहते हैं। ये हम ग्राउंड की तरफ दादा को माइक करते हैं। दादा क्या कहना चाहते हैं अपनी टीम के बारे में कुछ गुफ्तगू करके बताइए। ये दादा शर्मा रहे हैं बोल रहे अच्छे थोड़ा पीछे होके बैठ जाइए आपके सर में बोल लग जाएगा नुकसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैट की टिप्पणी है आपका पानी मशीन बैठो कोई आ जाते। और जैसा कि शिकारपुर की टीम के खिलाड़ियों ने बढ़िया वापसी की है बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट लेके चल रहे हैं खिलाड़ी ये 11 की स्ट्राइक रेट लेके चल रहे हैं अगर इसी तरह चलता रहे तो 217 रन को चेस कर पाएंगे खिलाड़ी तो चेस स्कोर बहुत ही बेहतरीन होगा। अगला बॉल
जी बावला का मैच है, दूसरा मैच है बावला और फिरोजपुर नमक के बीच। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, शिकारपुर हीरो का ब्लास्ट के बीच में ये मुकाबला बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लबादू सेट कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक पर और अरमान 15 रन और हार के हाथों से खेल गया। खेलने के देखते हैं दोनों बल्लेबाजों ने और हो गया है 66 रन। एम्पायर बोल को अपने पास ही रखे दोनों ही एम्पायर। शकील इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे और जो बड़े बड़े छक्का लगा रहे हैं, चौका लगा रहे हैं, बरसात कर रखी है, आज उन्होंने दिखा दिया है कि क्या काबिलियत है उनके अंदर नहीं चल पाता है। और हर का तो गेम में खेल गया था रनमैन किसान फील्डर वहां मौजूद है, एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। ये बल्लेबाज शकील की तारीफ करनी होगी जिस तरह से आज उन्होंने अपना रंग रूप दिखाया है, क्योंकि ये बल्लेबाज के अंदर जो खासियत है वो आज उन्होंने दिखा दिया है। 24 बॉलों पे 48 रन शकील। लेग एम्पायर कमाल के बराबर में है, बहुत तगड़े बॉलर शिकारपुर के और उठा के मारना चाहते थे जबरदस्त बैटिंग करती हुई शिकारपुर हीरोज ये मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें दर्शक शिकारपुर के मैदान सौ साल पुराने मैदान में आ सकते हैं लुत्फ उठाने के लिए, लाइव मैच देखने के लिए। अपडेट करो, मैंने अपडेट करना पड़ेगा अभी। हाल के हाथों से खेल दिया है अरमान ने बहुत उच्च राय के साथ पूरा कर दिया था उन्होंने बल्लेबाजों ने। एक बार फिर शकील के पास स्ट्राइक, मात्र 2 रन दूर अपने अर्धशतक से बल्लेबाज शकील। स्कोर हो गया है 70 रन, 7वां ओवर पारी का। खालिद का सामना करेंगे शकील, एस के खालिद 48 किया और शकील ने उठा के मार दिया है। फील्डर से नीचे भाग रहे हैं, गेंद पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते और हल्की सी मिस फील्डिंग वहां और 50 1100 रुपए का इनाम। एम्पायर चेक कर रहे हैं ये चौका है दो रन है, कुर्री की तरफ से मिल चुका है और उनमें हिस्सा तो हमारा भी रहेगा। शकील सोच रहे हैं 50 हो गई है शकील की भाई, 25 गेंदों में 50 रन, 24 बॉलों में 50 रन। शकील जबरदस्त बैटिंग करते हुए और शिकार 25 बॉलों में 75 रन, 50 रन पे बैटिंग करते हुए शकील। चले एक बार फिर शकील के लिए और बहुत ही बड़ा छक्का, 6 रन, बहुत ही जबरदस्त छक्का। ये बल्लेबाज जाल खुला देते हैं क्रिस गेल की। 7 ओवर के बाद 78 रन है, किसी से नक्शा मैच खाता है क्रिस गेल का। वाह शकील क्या बात है, तेरी तो आज तो तेरे दिखा दिया अपना असली रूप। ये बल्लेबाज के अंदर क्वालिटी है, सभी तो कर लियो है इसके बारे में चर्चाएं चलती रहती है शकील के बारे में, जिस दिन में चल गया तो भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और होगा मैं इसकी तुलना विराट कोहली से करूंगा। 7 ओवर में 78 रन, हमारे टीम के हिस्सेदार बैठे हैं इसी टीम के, शाहरुख ने बताया है कि 7 ओवर में 78 रन। कुर्री कमेटी बॉक्स में 11 रुपए जमा कराए जाए प्लीज, जल्दी से आ जाए। कुर्री कमेटी के मेंबर भाई 11 रुपए दे जाए शकील के लिए, जो की 26 गेंदों पर 56 रन बना के बैटिंग कर रहे हैं शकील भाई। 0 आउट हो गया, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं शकील। और यहां पर अरमान 9 रन आए हैं, अब गेंदबाजी कर सामना करेंगे अरमान। अच्छी बॉल, अच्छी गेंद, डॉट बॉल। 7 ओवर के बाद 78 रन है शिकारपुर का स्कोर। अरमान लेकिन लगातार शकील को दे रहे हैं, शकील
जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे थे मिस कर गए बल्लेबाज गेंद पसली में लगी है उसके कैरेक्टरों ने मान के वो बल्लेबाज है अरमान थोड़ा है लेकिन काबिलियत है उनके पास थोड़ा अनुभव कम है लेकिन काबिलियत काफी और राहुल सोच रहे होंगे अरमान भी अगर ऐसे बल्ला चला गया तो उसको बहुत जबरदस्त जवाब सुनिए अरमान के अंदर क्वालिटी और फकीर के अंदर सबसे बड़ी टीम है क्योंकि होनी भी चाहिए जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं इसकी तुलना हम इंडिया से ही करेंगे शिकारपुर हीरोज की जिस तरह इंडिया है ना वर्ल्ड में टीम उसी तरह से शिकारपुर है लगता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जबरदस्त बैटिंग करते हुए अरमान और शकील की तक तारीफ जितनी भी गई जाए उतनी ही कम है क्योंकि हम उनके साथ एशियार में मैच खेले थे वही बल्लेबाजी की थी मचाते हुए विकेट के बाहर शकील बैटिंग कर रहे भाई अरमान 20 गेंदों पर 27 रन बना के बैटिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कट मारना चाह रहे थे लेकिन एम्पायर की भुजाएं फैलती हुई हवा में चप्पा की स्कोर हो गया 88 रन और चौकी चक्का आठ रन पूरे कप्तान रह चुके हैं आज एम्पायर कर रहे हैं बहुत ही लाखों शुक्रिया वाजिद खान भाई और हिलने तक का भी मौका नहीं मिला क्या जवाब बैटिंग करते हुए अरमान और सकील अवर समाप्त जबरदस्त बैटिंग तो नहीं बल्लेबाजों से अब तक देखने को मिली है ये सकील 90 रन आसानी के साथ क्योंकि उसके पास काफी लंबे लंबे विकेट आने वाले वाली बाकी है शिकारपुर की तरफ से शकील सामने करेंगे पॉन्टिंग का 27 बॉल पर मात्र 27 बॉल पर 57 रन बना के खेल रहे शकील शकील अहमद जबरदस्त बैटिंग का मुजाहिरा पेश करते हैं और पॉन्टिंग की तरफ चारों तरफ अपनी निगाहें को घुमाते हुए शकील सोच रहे हैं कि किस तरफ छक्का मारूं या चौका मारूं आज दर्शकों को पूरा मौका है शकील की बैटिंग देखने का यह
ये मैच सुबह दिन क्रिकेट लाइव देख सकते हैं, थोड़ा आउट वाला सुबह दिन भारत बल्लेबाज बहुत बड़े हैं और ये क्रिस गेल की तुलना की जाती है इस बल्लेबाज से, अगर उसके रडार में बॉल डालोगे तो भारत के जुम्मा पहलवान चाह गए दिए पत्ती पहलवान हिंद के शकील, बहुत ही लंबा छक्का इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का शकील द्वारा, बॉन्डिंग चले एक बार फिर शकील के लिए, बहुत अच्छा खेल खेला है, चार रन गैप में, बहुत ही खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं शकील, चौकी बहुत ही मारे हुए बल्लेबाज है शकील और उसका साथ दे रहे हैं अरमान, वो भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अरमान और शकील को क्या कह रहे हैं लगातार दो रन मार दिए इस ओवर में मारी का चलता हुआ और यहाँ पर हमारे बीच में भारत के सुरेश का जुम्मा पहलवान और फिर जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ एक और चौका, चार रन बहिन पानी लगातार तीन बाउंड्री शकील, बहुत ही हावी होते हैं भूतला की क्रिकेट टीम पर, बहुत ही ज्यादा हावी होते हैं, एक छक्का और दो चौके यानी कि तीन बाउंड्री लगा चुके हैं और यहाँ पर 71 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 30 गेंदों का सामना किया और आर बल्लेबाज अगर आमिर आएंगे भी तो साथ निभा रहे हैं अरमान, 30 गेंदों में 30 रन बनाकर, अब तो आमिर ही नेक्स्ट बल्लेबाज, हिटिंग करवा दें तो गए बल्लेबाज पर, बहुत तगड़ी शुरुआत 106 रन हो चुके हैं, 9 ओवर पर गति पर चल रहा है यहाँ पर शिकारपुर हीरोज के और खालिद से मैं बात करना चाहता हूँ, खालिद आप शकील के बारे में दो बात की, शकील नाम ही काफी है शकील, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं दर्शकों का तो कहा खूब मनोरंजन कराया इन्होंने और अपने साथ ही खिलाड़ियों का भी, क्योंकि आज वो सोच रहे हैं कि आज तो शकील की बैटिंग देखने में इतना मजा आ रहा है कि बैटिंग करने का मन ही नहीं कर रहा है, फिर हल्के हाथों से खेल गया पॉइंट की दिशा में एक रन बढ़िया आसानी के साथ, काफी सुकून से ये रन लिया शकील, एक छक्का चौका मार के स्ट्राइक रोटेट कर देते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं आज, लगभग मुझे लग रहा है कि आज 125 रन का बनाएंगे शकील, 125 रन तो कम से कम बना देंगे क्योंकि ये बेहतर उन पे खेल रहे हैं, चले एक बार भी सामना करेंगे अरमान और हाल के हाथ से खेला फील्डर मौजूद बल्लेबाज की गुंजाइश नहीं, थोड़ा सा स्कोर 107 रन है शिकारपुर, ये शॉट खेलने में ओवर चलता हुआ कंफ्यूज से नजर आए थे शॉट का फंगर कहे तो शकील सामना करेंगे पॉइंटिंग का और उठा के मार दिया है, कोई मौका नहीं कवर के ऊपर कर शॉट मारा अरमान के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, अगर शकील दो छक्के लगातार मारते हैं हमारे चाचा लगते हैं नाते में तो, और फक्कर पहलवान सॉरी पहलवान नहीं फक्कर टायर वाले जो शकील के चाचा लगते हैं उनके लड़के शाबीर सनो फक्कर 200 रुपए का इनाम देगा शकील के लिए, 500 का बढ़ा दिया, अगर दो छक्के शकील मारते लगातार फक्कर के लड़का 500 रुपए देंगे शकील के लिए, शकील अगर दो छक्का लगातार मारते 500 रुपए और बल्लेबाज ये तो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं काबिले तारीफ, दर्शकों का काफी मनोरंजन कराते हुए 9 ओवर में 111 रन हो गए भाई शिकारपुर के, एजाज आए हैं पारी और हल्के हाथ से खेल दिया शकील ने दिशा में एक रन बड़ी आसानी के साथ ले लेंगे दोनों बल्लेबाज, शकील अब अरमान भी कुछ कम नहीं है, अरमान भी स्कोर देता 22 बॉल पर 34 रन पर बैटिंग कर रहे हैं अरमान,
सामना करेंगे। एजाज का जो इस टीम के सबसे किफायती गेंदबाजों में से एक गेंदबाज है और ये अच्छी बॉल पूरी तरह से बल्लेबाज अरमान पूरी तरह से चकमा खा गए। तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की जिस तरह से ये गेंद डाली थी उन्होंने। एजाज अगर अरमान छक्का मारता है एक छक्का मारता है तो 500 रुपया पत्ती पहलवान 200 रुपया पत्तली कुरैसी की तरफ से 700 रुपए का इनाम चले अरमान के लिए। ओहो माय गॉड कर दिया बहुत बड़ा विकेट एजाज के खातों में। ये पत्तली और पहलवान के रुपया बड़ी मुश्किल से ही जाते हैं। जो ये राम बोला था पत्तली रोल पत्ती पहलवान में काफी 112 और दादा छोला का कहना है कि कोई नाम मत बोले टीम खराब हो जाएगी और स्कोर 108 रन है भाई 12 प्रगति पे चल रहा है 112 रन और 2 विकेट गिर चुके हैं। अरमान के रूप में अभी विकेट गिरा था और चूंकि एजाज ने ये अपनी टीम के लिए पहला विकेट लिया और अब कप्तान आंसू आए हैं बैटिंग करने के लिए। कप्तान आंसू आंसू से काफी उम्मीद इस टीम को। और यहाँ पर काफी रोमांचक बढ़ता हुआ क्योंकि शिकारपुर हीरोज ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी और अगला मैच के बारे में बता दूं मैं इससे भी तगड़ा मैच 112 रन पे दूसरा झटका लगा है भाई और नमक के प्रयोग पर की बात की जाए तो बहुत अच्छा अच्छा गेंदबाज है बड़ी टीम है दोनों खड़ा मुकाबला एक बजे से लाइव चलेगा शिकारपुर होम ग्राउंड पर। शाहरुख है नादर भेज नादर है लोग बता दे सुबह दिन को भाई नादर कहाँ पे है भाई जहाँ से स्कोरिंग हो रही है नादर के फोन में हो रही है और सुबह दिन को पास जाकर उसका लोग बता दे। मुझे उम्मीद है कप्तान आंसू मेरे कप्तान आंसू के बारे में दो बात शाहरुख के आंसू के बारे में हम आपको बता दें और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें वो उसका 373वां मैच है और एक अननोन नंबर आंसू 173वां मैच है 13 शतक है इस बल्लेबाज के। स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो लगभग 132 की स्ट्राइक रेट और आंसू के बारे में हम बात करें तो ये लेग स्पिन गेंदबाज भी है स्पिन जो गेंदबाजी करते हैं ये और बहुत तगड़ा बाउंसर एजाज द्वारा चकमा खा गए यहाँ पर कैप्टन आंसू कमाल मास्टर द्वारा वन डाउन और राहुल कुछ फेंक रहे हैं कमाल के सामने मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि 9 ओवर में 111 रन बना लिए थे उसके बाद 200 रन का स्कोर एजाज ने अब 112 रन है शिकारपुर का स्कोर 10वें ओवर की आखिरी गेंद और चकमा खा गए आंसू फिर दोबारे ओवर समाप्त 32 गेंदों पर 73 रन बना के बैटिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं शिकारपुर हीरोज के लिए और अपने लिए बहुत ही शानदार बैटिंग की आज और जो कि साजिद है जो कुर्री पहलवान बुला रहे हैं उसको फाउल लेके पीछे को पानी रोकना भाई साजिद जहां भी हो कुर्री पहलवान के पास चले जाए फाउल लेके पीछे पानी आ रहा है वहां बॉल भी खराब हो रही है साजिद जहां भी हो फाउल लेके पीछे चले जाए तर्मेन की दिशा में शिकारपुर का स्कोर है 112 रन 2 विकेट के नुकसान पर शकील 71 यहां पर 72 रन बनाकर खेल रहे हैं और आंसू अभी आया है क्रीज पर 4 गेंदों का सामना किया खाता नहीं खोल पाए हैं
साझे फावड़ा लेके पहुंचा है भाई, अगर फावड़ा नहीं मिला तो मामा यहाँ से लेके चले जाए। फजल आउट हो गया भाई, ओपनिंग में आया था फजल पहली। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, शकील बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि आज उसका बहुत बड़ा दिन है और आज उसका बर्थडे भी है, आज उसका जन्मदिन भी है और जन्मदिन का पूरा फायदा उठाते हुए शकील जूरफ आए आप गेंदबाजी करने सामने। आज उसका 28वां जन्मदिन है। और बहुत अच्छा शॉट, इंद्र वहां मौजूद है, एक ही रन मिलेगा तो नहीं बल्लेबाज को। आज स्कोर बढ़कर हुआ है, शकील का जन्मदिन है, अभी अभी हमें अपडेट मिला है और कोई भी बल्लेबाज चाहेगा कि जिस दिन उसका जन्मदिन हो बड़ा स्कोर खड़ा करे और हल्के हाथों से खेल दिया है आज उन्हें, एक रन ले लेंगे बल्लेबाज आने वाले बल्लेबाज आमिर सैकुल नादर अली। सैकुल एम्पायर जफ्फा द्वारा वाइड बॉल, जोरदार अपील की गई थी यहाँ विकेट कीपर द्वारा, लेकिन एम्पायर जप्पा द्वारा वाइड बॉल, कोई प्रभाव नहीं एम्पायर जप्पा पर और कुर्री से अनुरोध है पर कमेटी बॉक्स में आ जाए। शकील का बल्ला कुछ देर के लिए शांत जरूर रह सकता है, क्योंकि ये बल्लेबाज हमने देखा है अभी दो दिन पहले ईसीआर में मैच हुआ था, शकील ने वहां पर मात्र 15 गेंदों में 50 बनाई थी और मास्टर कमाल ने 29 रन बनाए थे नाबाद और रिसाल बॉलर ने 2 बॉल ओवर कर डाली थी। यहाँ पर बहुत अच्छी शॉट मारा था शिकारपुर क्रिकेट ग्राउंड सोना रोड, बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए शकील। शकील शतक बनावत राहुल की तरफ 11,000 और पहले पैसा जमा करा दे जमा एंट्री बॉक्स में, हम ऐसे ही नाम नहीं बोलेंगे और कुर्री उन 1100 रुपया में दे दे जो शकील की 50 के लिए बोले थे तूने, नहीं यहाँ जमा करा दे हमारे दादा बोल रहे हैं ठीक है। और ये वाइड बॉल यहाँ पर थोड़ा गुप्तगु होती है बोतला की टीम की तरफ से, शायद वाइट की बॉल पर थोड़ा ऐतराज उठाते हुए एम्पायर द्वारा चार बोलों पर एक रन और एम्पायर का निर्णय निश्चित रूप से मानना होगा, जो कमेटी और एम्पायर बोल देंगे वही निर्णय रहेगा भाई। यूरफ चले एक बार फिर शकील के लिए, बहुत अच्छा शॉट, इतनी अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं और शकील जो कि 36 गेंदों पर 78 रन बना के खेल रहे हैं अपने शतक से मात्र 22 रन दूर और शतक के लिए कुछ इनाम भी आई है हमारे पास, कुर्री बताएंगे उन्हें और चले एजाज शकील के लिए, शकील जो जबरदस्त बैट्समैन और जबरदस्त शॉट, इसके बुझा हुए वो ताकत है कि जो जबरदस्त की उसके साथ में जो ये जिम करते हैं उसका फायदा उठाते हुए हमने दोनों सोलो का फायदा उठाया, जबरदस्त पर हार बॉलर के ऊपर जबरदस्त, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, साजिद जहां भी हो भाई एक फावर लेकर मामा की हमारे पास कमो टीम आ जाए एक बार। ठीक दादा कोई नाम नहीं भूलेगी
चलने वाला और यू भाई जो इनाम रहेगा मैं मैच के बाद दिखा दूंगा है ना, पहला दिखा रहा लाइव पर मतलब जो देखा करे व्यूअर उन सकी में बहुत अच्छा चौका हमारे टीचरों के साथ 82 रन पे पहुंच चुके हैं सकील मात्र 37 गेंदों पर, जो कि हमारे बीच में चुमा पहलवान आ चुके हैं और अति पहलवान दोनों पहलवान साथ दौड़ रहे हैं आज और काफी अच्छे पहलवान रह चुके हैं शिकारपुर के लिए। इन्होंने भी बहुत नाम किया था शिकारपुर के लिए, दोनों पहलवानों ने भी 11 रन समाप्त किए पर और इन पहलवानों ने भी काफी योगदान किया था शिकारपुर गांव के लिए। अच्छे अच्छे दंगलों में कुश्ती मारी थी पत्ती पहलवान और चुम्मा पहलवान ने। और यहाँ पर जुम्मा भारत केसरी जो कि भारत के चुन रह चुके हैं जुम्मा पहलवान और उसके साथ थप्पी पहलवान भी 124 रन 11 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर शिकारपुर हीरोज, जो कि बहुत ही अच्छी शुरुआत शिकारपुर हीरोज की जिसमें अच्छा योगदान रहा शकील का जो कि 37 गेंदों पर 82 रन बना के खेल रहे हैं और जो अरमान है अच्छी बैटिंग करके गए थे मात्र 20 गेंदों पर 35 रन बनाए थे अरमान ने और अब कप्तान आंसू आए हैं। कप्तान आंसू को एक तरफ से छोर संभालना होगा और शकील को खिलाना होगा, बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं कप्तान आंसू भी। और यहाँ पर जो फजल के रूप में विकेट गिरा था उसकी तो महसूस ही नहीं होने थी शिकारपुर हीरोज को शकील ने। शकील ने बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत की थी अपनी टीम के लिए और कोतला की टीम काफी निराश। और आंसू दोबारा बहुत अच्छा शॉट पायलट को आंसू भगले कप्तान दोबारा बहुत ही शानदार चौका और आंसू की बैट से बहुत ही अच्छा शानदार शॉट 4 रन और उस चौके के साथ शिकारपुर हीरोज 128 रन पार मार पर गति पर 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं आंसू भी। अगर आंसू यहाँ से 3-4 ओवर खेल दे तो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे आंसू अपनी टीम के लिए और अपने लिए। 128 रन हो चुके हैं बार बार प्रगति पर और चले आंसू के लिए खाली बॉल डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में बहुत अच्छी गेंदबाजी कुछ वापसी दौड़ेंगे किए चौके खाने के बाद। कोटला की टीम बहुत ही इस मैच से बहुत ही पीछे अभी तक कोई ज्यादा और आंसू दोबारा कवर और पॉइंट के बीच में गया अच्छा शॉट लेकर वहां फील्डर बस गई हुई है दोनों लेने चाहते थे शकील आंसू कप्तान ने मना किया 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा 1 रन साथ स्कोर 129 रन बार ओवर प्रगति पर जो कि शकील बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मात्र अपने शतक से 18 रन दूर है 37 गेंदों पर 82 रन बना के बैटिंग कर रहे हैं शकील नोरिंग काफी महंगे साबित हुए हैं नोरिंग भी आंसू और नोरिंग चले ठीक है धीरे धीरे कदमों से और नेक्स्ट बल्लेबाज है आमिर। अगर यहाँ आमिर बैटिंग करने आएंगे और 2-4 ओवर टिक गए तो साकिब यहाँ तो इतनी भीड़ हो जाएगी मेरा मानना है बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाएगी। और शकील द्वारा अच्छा शॉट कमोट मोस्ट और वहां पर हंस के खाली ब्रेक इतनी अच्छी फील्डिंग की लेकिन एक ही रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर 130 रन हो गए और बार बार पर गति पर बार मावर की अभी भी एक गेंद शेष नौरंग चले सामने का और यहां नौरंग चले आज गुलाब तो हवा में गेंद तक तो और कप्तान आंसू के रूप में लेकिन सीधा बॉलर को ही कैच थमा दिया कप्तान आंसू ने बॉल समझ में नहीं आई थी स्लो बॉल डाल दी थी एकदम। और यहां पर अब नेक्स्ट बल्लेबाज आमिर जो कि आमिर के पास पूरा मौका है 20 ओवर खेलने के लिए अभी यहां से अभी भी 8 ओवर बचे हुए हैं और शिकारपुर का जो कि मेरा मानना है तो रसल है पूरे ऑलराउंडर है बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और बैटिंग भी। और अब साकिर मैं कहना चाहता हूँ आपसे अब आपको कितनी भीड़ नजर आ रही है अगर आमिर यहाँ 3 ओवर भी टिक गए तो
यहाँ जगह नहीं रहेगी पैर धरने के लिए। साकिर बताइए। बहुत ज्यादा भीड़ और हम आमिर का बहुत उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे छक्का दें। और शिकारपुर की आन और शान, जुम्मा पहलवान, भारत केसरी पटना, और हमें उम्मीद है कि ये भी कुछ इनाम बोलेंगे। कौन डाल रहा है ओवर? यूरोप 13 ओवर कितने के बारे में? 22-55।12 ओवर की समाप्ति पर 130 रन और शिकारपुर हीरोज 3 विकेट के नुकसान पर। और शकील द्वारा अच्छा शॉट मिले लोगों को और कितनी अच्छी फील्डिंग, वहां पर एक रन मिलेगा। आमिर ने मना किया और आमिर आए हैं बैटिंग करने के लिए। चप्पा यहां में लगता है गैड है, किनारे जाने जाते हैं और उतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं जितनी अच्छी बैटिंग करते हैं आमिर। शाहिद खान आए भाई, आमिर अभी क्रीज पर, आमिर लंबे काट के बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आमिर 31 रन पर 3 विकेट गवा चुकी है। शिकारपुर 13वां ओवर पारी का चलता हुआ। और बहुत अच्छा शॉट खेला है, 8 पॉइंट की तरफ और 4 रन नजर आया खाता खोलने का आमिर का। सीधा चौका से खाता खोला है आमिर ने, बहुत अच्छा शॉट आमिर द्वारा। और इस चौके के साथ 135 रन हो चुके हैं शिकारपुर हीरोज के 13वां ओवर प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर और वाइट बॉल है पार द्वारा, चप्पा द्वारा वाइट गेंद। इस वाइट के साथ स्कोर 136 रन 3 विकेट के नुकसान पर शिकारपुर हीरोज 13वां ओवर प्रगति पर। और यहाँ पर आमिर के लिए चले, ओ बहुत अच्छी गेंद आमिर ने, इतना छक्का मारा है कार्डमैन की दिशा, देखते हैं पार के साथ क्या रहेगा। 4 रन, क्या शानदार नजारा है आमिर के, लगातार 2 चौके मार चुके हैं आमिर। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आमिर, आमिर भी बहुत ही तगड़े हिट रहे हैं और यहाँ पर ऑलराउंडर के रूप में आए हैं। बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं आमिर और इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और उसके भाई राहुल सामना करेंगे। मना किया, कोई रन नहीं। 140 रन स्कोर अभी भी 140 रन पर 3 विकेट नुकसान पर शिकारपुर हीरोज, जो कि आमिर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे, लगातार 2 चौके मार चुके हैं इस ओवर में। और जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है शिकारपुर हीरोज। और बहुत अच्छा शॉट का तोड़ मौजूद, रन की गुंजाइश अच्छी, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर है 140 आमिर के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी, विकेट मारना चाहते थे लेकिन एक बॉल और ओवर समाप्ति। बहुत अच्छी वापसी, शकील है, शकील 13 ओवर की समाप्ति पर 140 रन 3 विकेट के नुकसान पर शिकारपुर हीरोज। अब यहां से खेल बचा है 7 ओवर का
और आ मेरे यहाँ टिके तीन चार ओवर तो स्कोर 200 पार पक्का जाएगा। अगर आ मेरे यहाँ से 50 मारते हैं तो हारून 500 रुपया कमेंट्री बॉक्स में जमा करा दिए है। हारून ने जमा करा दिए है। हारून स्लोरिया ने स्लोरिया जो कि जमा करा दिए 500 रुपए कमेंट्री बॉक्स में आमिर के लिए। और सकी 140 शतक से मात्र 16 रन दूर है। बहुत अच्छी बैटिंग करते सकी की और बहुत अच्छी बैटिंग की है सकी ने इस टीम के लिए। और आमिर 8 रन बनाकर और सकी और पारी का 14वां ओवर लेकर आए हैं कादर। अब कप्तान खुद कादर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। शायद विकेट की तलाश में है। अगर यहाँ से एक दो विकेट रुक जाए तो शायद कुछ पकड़ बना ले भूतला की टीम। और फटकी हुई थी इधर लेफ्ट साइड में शकील ने मारा। देखते हैं कि रन मिलेगा या दो रन। दूसरे की कॉल मना कर दिया आमिर ने। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 141। कादर चौथा ओवर हुई मेरे वक्त खट पूरे यहाँ पर आमिर जो कि बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। आमिर के लिए अभी पुरस्कार भी दिया था 500 रुपए अगर फुफ्टी मार दे तो। आमिर पटकी हुई गेंद और आमिर ने तीसरा चौका मार दिया है अपना। बहुत अच्छा शॉट कमाल बहुत ही अच्छा शॉट। आमिर लगातार तीन बाउंड्री मार चुके हैं 12 रन पे खेल रहे हैं आमिर। अगर आमिर यहाँ तीन चार ओवर खेल गए तो 50 तो 100% मार देंगे। लम लम में छक्कों के लिए जाने जाते हैं आमिर। कादर चले आमिर के लिए सामना करेंगे आमिर। वो मारना चाह रहे थे ऑफ साइड में लेकिन इतनी अच्छी गेंद बहुत अच्छी वापसी कादर द्वारा। और यहाँ पर 145 रन हो चुके हैं सितारपुर हीरोज के 14 ओवर प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान पर। अपने शतक से मात्र 15 रन दूर है। कादर चले शकील के लिए और ने फिनिश कर दिया है और ये 6 रन बहुत अच्छा छक्का लेग साइड में बहुत ही दमदार छक्का। और इसी के साथ शकील का स्कोर हो चुका है निजी स्कोर 91 रन। चौदहवां पारी का चलता हुआ और शकील पहुंच गए 91 रनों पर 42 गेंदों का सामना किया 152। बाकी अभी है ना बाकी एक बोले बहुत ही अच्छा छक्का शकील द्वारा। और इस छक्के के साथ शकील 42 गेंदों पर मात्र 91 रन पे पहुंच गए। और ट्रिपल की हुई है और बेहतरीन शॉट और 6 रन और ये बहुत ही लंबा छक्का ओवर समाप्त। पक्कर के लड़के चार और 500 रुपए देते हैं। नहीं दो छक्के लगातार पे पक्कर के लड़के ने 500 रुपए बोले थे। और शकील ने जो कि बहुत ही अच्छे छक्का मारा है और 500 रुपए का पुरस्कार भी जीत लिया है जो कि पक्कर के लड़के 100 रुपए दिए 500 रुपए साथ में। और सकी 97 रन पे पहुंच गए मात्र अपने शतक से 3 रन दूर है मात्र अपने शतक से। बहुत ही लंबा छक्का सकी द्वारा। इस टूर्नामेंट में सकी ने बहुत लंबे छक्के मारे हैं। अगर एक छक्के और मार देते तो इसके ओवर में इसी गेंद पर कुर्री पहलवान 11 रुपए देंगे उसके लिए। और लुकमान जो कि इस कमेटी के मैं मेरे वो भी बोला कि नाम वो कहाँ पे है छोटे से दिन लाइन्स ली अलग सा है कि या मैं अपना पास बढ़ जा। और यहाँ पर अपना पास लुकमान भाई जहाँ भी हो शकील को 1100 रुपए का पुरस्कार कमेटी में जमा कराए। उन्होंने 2 लगातार छक्के लगा दिए हैं। आमिर सामने करेंगे 9 रन का 9 रन आए गेंद पर। आमिर ने बहुत अच्छा शॉट मारा है जारी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 4 रन बहुत अच्छे आमिर द्वारा। बहुत अच्छा चौका आमिर का इस चौथा चौका लगता है पारी का आमिर के बैट से। बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं आमिर।
लुकमान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए वो दो छक्के लगातार मार दे शकील ने। और अब खालिद कमेंटर कमेंटर से रूबरू कराएंगे हम। नौरंग चले आमिर के लिए। चले एक बार फिर आमिर मारा एक रन फाइनल के क्षेत्र में एक रन और मिल जाएगा। अगर शकील शतक मारते हैं तो ये टूर्नामेंट का पहला शतक होगा। स्कोर हो गया और लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर शकील। शकील अपने शतक से मात्र और आमिर की भी तारीफ करनी होगी जिस तरह से वो आए हैं तो उन्होंने भी अपने बल्ले को रोका नहीं है खामोश नहीं किया है किसी आमिर है आमिर बस 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 जबरदस्त बैटिंग करते हुए शकील गेंदबाजी करेंगे। नौरंग 43 गेंदों पर 97 रन पर बैटिंग करते हुए शकील अपने शतक से मात्र 3 रन और बहुत जबरदस्त रन के लिए भागे लेकिन बल्लर गेंद में थोड़ा और एक रन अच्छे से संपर्क नहीं हो पाया नहीं वरना ये बिल्लो बॉल के ऊपर 6 रन का था और शकील मात्र 2 रन दूर 98 रन बनाकर खेल रहे हैं 44 गेंदों का सामना किया। आमिर सामना करेंगे 10 गेंदों पर 18 रन बना के खेल रहे हैं ये काफी अनुभवी बल्लेबाज है इनके पास वो एक बार फिर सामना करेंगे आमिर और उठा दिया गेंद हवा में बॉल ट्रैवल के बॉक्स में और क्या रन कैच जो आसान सा गेंद था और कैच जो 4 रन कामयाब है यहाँ पर आमिर चौकी कापर लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं बहुत अच्छा चौका अपनी पारी का 5वां चौका और बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं आमिर मात्र 11 गेंदों पर 22 रन बना के 200 गज स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं आमिर। चले एक बार फिर आमिर के लिए छठा चौका आमिर के बल्ले पे अगर आमिर यहाँ दो रन रुके तो भीड़ों की तो बहुत भीड़ होगी 172 अगर आमिर दो छक्का लगातार लगाते हैं नासिर मास्टर की तरफ से जो नासिर कमेंट्री बॉक्स में बैठे भारी भरकम शरीर के नासिर की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। नौरंग चले एक बार फिर आमिर के लिए 200 रुपए का अगर आमिर बैक टू बैक दो छक्के मारते 200 रुपए नासिर मास्टर की तरफ से एक रन आसानी से मिल जाएगा और समाप्त राशन ड्राइवर ने 40 बैटरी बोल दिया था खालिद ने राशन ड्राइवर ने 200 रुपए बोले हैं आमिर के लिए और स्कोर 173 रन 15 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर स्कॉरपुर हीरो। हेलो और यहाँ पर अब आमिर के लिए चले खानी बहुत ही लंबा छक्का बहुत ही लंबा छक्का और आमिर बहुत ही ताड़ तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। खालिद आमिर के बारे में क्या कहना चाहोगे? आमिर के पिताजी भी मैच देख रहे हैं आमिर को ध्यान रखना होगा। अच्छी बॉल हल्के हाथ से खेला रन के लिए दौड़े और एक रन आसानी से पूरा कर लिया सिंगल के साथ स्कोर एक अपडेट मिला है एडवोकेट लुकमान सरपंच के तरफ से अगर शकील शतक मारता है तो आंसू नाहिद शकील के लिए क्या इनाम बोलते हैं ये लुकमान की तरफ से मैसेज है। खाली चले शकील के लिए और हल्के हाथ से खेल दिया है इसी के साथ शकील इंडिया रन पर पहुंच चुके हैं 99 पर बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हैं और आमिर के पिताजी भी मैच का लुत्फ उठाते हुए चलता हुआ शकील 45 99 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और आमिर 15 गेंदों में 34 रन आमिर चौकी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं 15 गेंदों पर मात्र 34 रन बना के खेल रहे हैं 6 चौके और 1 छक्के की मदद से आमिर चले आमिर के लिए बैक साइड में
जो कि 38 रन पे पहुंच चुके हैं आमिर, 16 गेंदों के सामने किया है आमिर ने। और जो कुत्ती के लिए बोल रहा है, 4 रनों के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 185। ये शकील और भाई आमिर है, इसकी गेंद के आगे सामने मता जाएगा, गेंद ही मार देगी, बहुत स्पीड में चली है, 18 किलोमीटर की स्पीड गेंद है भाई, ये बोल मता भाई, आगे मर जाएगा तो कोई जिम्मेदारी नहीं। और हमारा दादा थैला जो कि कह रहे हैं शकील और आमिर बहुत ही तेज शॉट मार रहे हैं और फील्डिंग ध्यान से करे, ये दादा का कह रहा की अगर किसी के नकल का कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारे खिलाड़ी खड़े हो चुके हैं शकील के शतक के लिए, और यहाँ पर खाली चले शकील के लिए, और बॉलर दोबारा और कप्तान आसिफ बहुत खुश नजर दिखाई दे रहे हैं, खड़े हो चुके हैं 16 में और एक रन दूर है, और सारे दर्शकों को अपनी कुर्सी छोड़ दी है, सारे खड़े हो चुके हैं, कम एक रन ले, कब से तक पूरा हुए, एक रन दूर है शकील अभी, और एक रन से शतक पूरा कर दिया शकील ने, बहुत अच्छा शकील भाई, शकील बल्ला उठा दे, ये शतक बहुत शकील बल्ला, शकील के बल्ले पर पहला शतक निकलता हुआ टूर्नामेंट का, इस टूर्नामेंट का पहला शतक, और शिकारपुर हीरोज की तरफ से खेल रहे शकील का पहला शतक, 40 गेंदों पर मात्र 46 गेंदों पर शतक, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया मास्टर कमाल भी चिकित रह गए शकील से आज, और आंसू की तो क्या बात है, आज सोच रह गई है शकील ने क्या किया, और यहाँ पर डॉक्टर राहुल समझाते हुए इनने बॉल कैच डाली छोटी टीम को, अब गलती देखोगे, अब थोड़ा सा धीरज बनाए रखें क्योंकि यहाँ पर खाली भी कमेंट्री करेंगे क्योंकि वो मैच बहुत बड़ा है, आमिर नए गेंदबाज, शकील सामना करेंगे आमिर का, इस ओवर में पहली बार शकील सामना करेंगे आमिर, और उठा दिया आगे हवा में फील्डर्स के लिए, देखते हैं गेंद को पकड़ पाते हैं नहीं, और एक और जीवनदान मिलता हुआ शिकारपुर हीरोज के लिए, और शकील को पहला जीवनदान मिलता हुआ, ये तो कप्तान राहुल ने, डॉक्टर राहुल ने 5100 रुपए बोल रखे शकील के लिए शतक पर, और वो शतक मार चुके हैं, राहुल से अनुरोध है कमेटी बॉक्स में आकर 5100 रुपए जमा करा दें, आमिर चले आमिर के लिए, और बोल दिया है आमिर ने, आमिर को अच्छी बॉल थी, आमिर समझ नहीं पाए थे, आमिर चौथा नए बल्लेबाज शिकारपुर को, शिकारपुर की शान, शिकारपुर की जान, हमारा रिश्तेदार शैकुर बैटिंग करेंगे शिकारपुर की शान, 189 रन पहुंच चुका है शिकारपुर हीरोज, हाई स्कोर, ₹500 शाह होटल वाले ने शकील को इनाम दिया है, और कमेटी बॉक्स में नादर द्वारा जमा भी करा दिया गया है, शकील पे पैसों की बारिश, आज मुझे लगता है शकील ने इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे जितने आज उन्होंने इनाम पा लिए हैं, और मैं नू करूं यार ऐसे दर्शकों की जान, लाइव में तो कोई दिक्कत ना हो, शकील ने कुछ इजी अंदाज में कर दिया, लाइव तो देख लीजिए मास्टर पंद्रह में उन्होंने पोस्ट के लगाए जो, और उस मैच में कमाल ने 29 रन बनाए थे, और इंसान कर दिया लाइव रोका ना, फिल्टर कौन सा यूज कर रहा है, यहाँ पर खाली शकील के लिए तो काफी इनाम हो चुके हैं, मुझे लगता है शकील के लिए काफी इनाम हो जाएगी आज तो, तुझे कुछ उम्मीद है, 800 रुपए तो हमारे पास जमा है, सॉरी 700 रुपए तो हमारे पास जमा है, शकील के 500 रुपए और बाकी की जो इनाम है वो वहाँ पे मिलेगी,
शकील की तरफ से लिखना से ज्यादा कॉमेंट्री बॉक्स में उन्होंने कहा है कि 500 रुपए खालिद कॉमेंट्री लिए मिलेंगे। शुक्रिया शकील आपका जो कॉमेंट्री के लिए आपने ये सम्मान दिया, अपने नाम से ही 500 रुपए बोल दिए। सैकुल सामना करेंगे, पहली बार इस ओवर में सैकुल सामना करेंगे और अपना खाता देखते हैं किस अंदाज में खोलते हैं ये बल्लेबाज, क्योंकि ये शिकारपुर की शान है और आन है बान है। सैकुल सामना करेंगे आमिर का और सैकुल ने बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाया लेकिन फील्डर वहां मौजूद है, एक ही रन मिलेगा आप सकील सामने करेंगे। देखते हैं बल्लेबाज ये बल्लेबाज किस तरह से हाजिर करते हैं इस गेंदबाज का, क्योंकि इन्होंने अब तक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रखी है। ये बल्लेबाज पूरी तरह से जम चुके हैं, इनकी आंखें जम चुकी हैं और इनको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है और हवा में गेंद खेलने वहां पर कोई नहीं है और एक रन बड़ी आसानी के साथ ले लेंगे सकील और 191 रन। शिकारपुर जीरो इस इलाके की सबसे बड़ी टीम है, इस इलाके की सबसे मजबूत टीमों में से एक शिकारपुर जीरो और हरियाणा की बात की जाए तो शिकारपुर टीम पहले दूसरे नंबर पे आती होगी, गुड़गांव को छोड़ के शिकारपुर की टीम दूसरे नंबर पर आती है क्योंकि शिकारपुर जीरो में ऐसे ऐसे बल्लेबाज है जो मेवात का बहुत अच्छी बात पूरी तरह से मिस कर गए और एक रन बाइक ब्लैक बाइक के रूप में एक रन मिला, स्कोर हुआ 192। जबरदस्त बैटिंग करते हुए शकील सामना करेंगे आमिर का। यू ओवर और पिछले ओवर कुटो और बहुत अच्छा शॉट, फील्डर वहां मौजूद काउंटिंग, एक रन मिलेगा। एम्पायर की सारा ओवर समाप्त 17 ओवर में एम्पायर से गुजार के शकील के लिए पानी पहुंचाया जाए, काफी देर से बैटिंग कर रहे हैं शकील। यहां पर नायक कप्तान अभी तक शकील के लिए कोई पानी भी नहीं पहुंचाया है और आंसू भाई साहब शतक मारा है लड़के ने, एनर्जी ड्रिंक भेजो। 17 और स्कोर हो चुका है 193 रन 17 ओवर 4 विकेट के नुकसान पर शिकारपुर हीरो। ये मैच बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां देख रही है जैसे कि जुम्मा पहलवान भारत केसरी अपने 54 किलोग्राम वेट के नंबर पे आए थे हर पूरे इंडिया में और वो अपडेट हमें फत्ती पहलवान ने बताया था, क्योंकि फत्ती पहलवान ने बताया था कि जुम्मा पहलवान 54 किलोग्राम वेट में फर्स्ट नंबर पे आए थे और जुम्मा पहलवान के सामने अच्छा अच्छा पहलवान और 1985 के पहलवान 9 रन आए हैं गेंदबाजी करने। बहुत अच्छी बॉल, पहले गेंद में कोई संपर्क नहीं। जी खालिद भाई मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, जो कि कादर का रिकॉर्ड आज शकील अहमद ने तोड़ दिया है। जबरदस्त बैटिंग कादर की जो उसके होम ग्राउंड था भूतला का, मौज कर दी बिल्कुल उसके बाद एक बड़ा जो कि अब शकील के नाम में रिकॉर्ड है और मैं इसको कहूंगा मैन ऑफ द सीरीज के नाम पे भी यही रहेंगे, नो डाउट खेल रहे हैं, जो कि ये रन 2-3 मैचों में बनाए जाएंगे शकील ने एक ही मैच में। और हमारे भूतला के गाँव से ताल्लुक रखने वाले हमारे कोच रज्जू पहलवान जो कि भत्ती के सीनियर कोच थे, वो भी एक अच्छे पहलवान थे, काफी अच्छे पहलवान जो कि भूतला के ताल्लुक रखते थे रज्जू पहलवान, जिनका अखाड़ा बंद के अंदर हुआ करते थे, वो भी एक जबरदस्त पहलवान थे। अब मैच के बारे में चर्चा करते हैं, सामने करेंगे बहुत ही लंबा छक्का, इस मैदान का लगभग ये तीसरा लंबा छक्का है और दूसरे नंबर पर रायपुर के उसका छक्का था और 200 रन पर स्कोर पहुंचता था इस छक्के के साथ। शैकुल शिकारपुर की शान, शिकारपुर की आन, शिकारपुर की बान सामने करेंगे शैकुल और पैना।
नौ रन चले एक बार फिर सके और भाग रहे हैं पकड़ पाते नहीं और एक आसान पकड़ लिया है अब यदि सकेल के लिए प्रमोद होता है शायद राहुल आ रहे हैं डॉक्टर राहुल भाई फजल बोलेंगे 21,000 पे ना हम ना बोल से कमेटी में मर गई है जेक के सुपर में होती हेलो सुबिदन क्रिक क्रॉस प्लेस ना चल रहा मैच चल तो रहा और चल रहा है लाइव ना चल कौन सिम चला रहा कोई तेरे स्कारपुर में चल रहा है स्कारपुर टूर्नामेंट में चल रहा है स्कारपुर लाइव में चल रहा है यार ना नहीं चला रहा हूं ना पता कैसे कौन से चला रहा है लाइव चला रहा है सुबिदन के पे दो रन है भारत की शान खड़खड़ी भारत नौ शिकारपुर की शान और बान जुम्मा पहलवान हरियाणा पार इसको फट्टी पहलवान ने 5 किलो घी और 5,000 का नगद पुरस्कार दिया है और जो वाजिब से 5 किलो घी ला सकते हैं शिकारपुर ज्ञान और शान हरियाणा पार सकील ने मना किया यहाँ पर डॉक्टर राहुल जो की किंच पे भी अभी आए हैं और कब अभी विकेट गिरा था शिकारपुर उनको साइकिल के रूप में जिसको 7 किलो बहुत लंबा छक्का मारा था फिर उसके बाद अपनी कैच दबा बैठे नौ रन को और नौ रन चले शकील के लिए और शकील ने फिर वो एक बार चौक मारा तेजी से खिलाड़ी के पीछे देखते हैं खड़े दो रन की पूरी कोशिश और दो रन आसानी से कर लिए शकील गवार ओवर शकील गवार आप बहुत ही अच्छे फोन पे नंबर दे रहा हूं मैं डालता है दिखा रहे हैं शतक भी लगा के भी 18 ओवर में 203 रन है और यहां पर सबसे बड़ा स्कोर हो तो शिकारपुर की टीम के लिए 203 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर की समाप्ति पर जो कि शकील बैटिंग कर रहे हैं 52 गेंद पर 106 रन बना कितने रन हो गए और राहुल डॉक्टर अभी आए हैं 18 ओवर में 203 रन आमिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए 5 विकेट के नुकसान पर शिकारपुर हीरो आमिर का आमिर चले धीरे-धीरे ओ बहुत अच्छा शॉट डॉक्टर द्वारा और कितनी अच्छी फील्डिंग एक रन आसानी से मिल जाएगा लेकिन एक रन से 204 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो गया 19वां ओवर 204 204 रन शिकारपुर हीरोज 5 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर परिगत सामना करेंगे अब सकीन सकीन मारना चाहते लेकिन बॉलर भटक गए वाइड गेंद हारे मना कर वाइड के साथ अब यहां से 11 गेंदों का खेल मात्र बचा हुआ है और देखना है 11 गेंदों में कितना रन बना पाएंगे अगर यहां से 11 गेंदों में 25 रन बना लेते हैं तो 230 रन का बड़ा मैच हो जाएगा शिकारपुर टीम का बहुत अच्छी गेंदबाजी आमिर द्वारा बीट किया शकील भाई कितने रन है 205 शकील ने 106 बना लिए शकील 106 रन 53 बॉलों पर गेंदों पर 106 रन बना के बैटिंग कर रहे हैं शकील आमिर चले एक बार फिर शकील के लिए वाइड फिर से डिसाइड गेंद वाइड गेंद इस वाइड के साथ स्कोर हो गया है 206 रन इस वाइड के साथ 5 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर पर गति पर और चौकी हमारे बीच में खालिद कमेंटर बैठे हैं बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं वो शकील मारना चाह रहे थे लेकिन चूके शायद शतक लगाकर बैटिंग कर रहे हैं थोड़े थक गए हैं एनर्जी भी थोड़ी कम हो गई है मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ से सिंगल जो राहुल को हिटिंग के लिए हो गई और यहाँ पर हमारे चाचा जी उन्नत सरपंच हमारी कमेंट्री बॉक्स में पधार चुके हैं और बहुत ही शानदार चाचा है हमारे दिलदार चाचा है और जो कि बहुत ही खर्चीले चाचा है और आपको मैं बता दूं जो हमारे चाचा है वो पानी है
बहुत ही अच्छी अच्छी भैंसों को रखते हैं, दो दो लाख की छोटी घर पे है, ढाई ढाई लाख की छोटी घर पे है, तीन तीन लाख की छोटी घर पे है, बहुत ही शानदार भैंसों को रखते है, सात घोड़े यहाँ मरना है। हमारे पास गाँव के पूरी चौरासी में भी कोई ऐसी भैंस नहीं रखता जो हमारे चाचा रखते है। नोरम भाई हंसते हुए मुस्कुराते हुए इनकी निगाहों पे पानी फेर दिया। कादर को एक लंबा जबरदस्त पारी खेलनी होगी, क्योंकि इन्होंने दिखा दिया जिम करो लड़के ऐसे ही छक्के दिखाऊंगा। चले एक बार मार दो और इसमें पार कर दे और छह रन और मैं भी कह रहा था अपने चाचा के बारे में और आते ही 500 रुपए से मैच खत्म हो गया। सकील का स्कोर है 118 रन, 56 बॉलों पर 114। देखते हैं क्या कर पाएंगे, देखते हैं क्या हैट्रिक लगा पाएंगे सकील। आज उनका अच्छा है, पूरी तरह से मदद संपर्क कम हुआ लेकिन एक ही रन रहना पड़ेगा ओवर समाप्त। और यहाँ पर अमर की समाप्ति हो गए 220 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर हो चुके हैं, अब लास्ट ओवर बच रहा है। और यहाँ पर सकीर 119 रन पर बैटिंग कर रहे हैं मात्र 57 गेंदों पर, 8 छक्के और 11 चौकों की मदद से, जो की बहुत तगड़ी बैटिंग करते हुए नजर आए सकील। काफी खतरनाक साबित हुए कोटला की टीम के लिए, बहुत ही खतरनाक साबित हुए सकील। 19 ओवर कंप्लीट होने पर शिकारपुर हीरोज है 220 रन, सकील का अपना इंटरनेशनल सबसे बड़ा स्कोर आज हुआ है जो की सकील ने आज, और सकील का स्कोर है 118 रन 56 बॉलों पर, 119 रन 57 बॉलों पर। और यहाँ पर 220 रन हो चुके हैं 19 ओवर की समाप्ति पर, 5 विकेट लेकर आए हैं यूरोप और 220 रन बना लिए हैं शिकारपुर ने। पहली गेंद लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद, देखते हैं एक ही रन संतोष लेना पड़ेगा सकीन को। और यहाँ पर अब डॉक्टर राहुल जो की बालू कलर के डॉक्टर राहुल सामना करेंगे, इस बॉलर का लास्ट ओवर है। अगर राहुल यहाँ से बड़े बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं राहुल भी जी आसिफ भाई, और यहाँ पर स्ट्राइक पर है अब राहुल, बिल्कुल भाई मौजूद 120 रन करके खेल रहे हैं। राहुल गेंदों का सामना किया, राहुल दो गेंदों में एक रन बनाकर, आमिर चले राहुल के लिए, अगर राहुल भी तो छक्के मारते हैं फील्डर गेंद के पीछे राहुल ने एक अच्छा छक्का मार दिया। यहाँ पर चाचा उन्नीस बोल रहे छोके पे कोई नाम नहीं, अगर दो छक्के मारते तो 500 रुपए इसके लिए भी दूंगा मैं डॉक्टर राहुल के लिए, क्योंकि चार रन होने चाहिए डॉक्टर राहुल के पास, दो छक्के लगा रहे हैं और 500 रुपए जीत लिए 225 स्कोर। राहुल ने उड़ा के मारा है और यहाँ पर दो रन मिल रहा है, चल सकील दो रन पूरे कर ले तीसरे का मौका, और यहाँ पर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं डॉक्टर राहुल, राहुल ने मना किया सकील से। हमारे स्कोर हो गया 227, दर्शक हम अनुरोध करेंगे कि वो 9-2 खेले अपने पारी के लिए और उनकी मैन ऑफ द सीरीज के लिए जबरदस्त दौड़ रहेगी, शायद फजल बप्पू कादर उसको क्रॉस कर पाएंगे, कादर के अभी तक 56 रन जोड़ पाए अपनी टीम के लिए। यदि इस मैच में कादर कोई लंबा शतक मारते हैं तो वो सकील को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं, मैच के बारे में शेष 3 गेंद बची है। हमारे साथी कमेंटेटर खालिद ने बताया कि खालिद कमेंट्री काफी अच्छी काफी दमदार कमेंट्री करते हैं, हमारा अच्छा मनोरंजन कराते हैं। और सकील का जबरदस्त प्रहार जबरदस्त, और राहुल छक्के मारते हैं तो पर छक्के पर 500 रुपए मिलेंगे, दो छक्कों पर 500 रुपए। एक सरपंच यूनुस खान जो की हमारे कमेंट्री
ऑक्स में उन्होंने एक छक्के पर शकील के लिए 500 रुपए बोले थे। 235 रन हो चुके हैं स्कॉट ब्रूरोज के। लास्ट बॉल दो बचे हुए, देखते हैं क्या लगता है इस पर। आखिरी बॉल इस पारी की और शकील का बहुत अच्छा शॉट, देखते हैं क्या। 4 रन और अच्छी शुरुआत और अच्छा गोल शकील द्वारा। स्कॉटपुर हीरोज ने 20 ओवर कंप्लीट होने पर 232 रन बनाए हैं। अपने पहले शतक मारा है इंटरनेशनल में, आप क्या कह रहे हैं। अरे उनने माइक ले रखो यार, ना शाहरुख खान ने और इसका योगदान बहुत अच्छा रहा है। और हम भी करना चाह रहे हैं और खान भी रहे हैं क्या शुरू करते हैं। चुम्मा पहन रहा चार दिन और अब कैसी चुम्मा पहन रहा है, अपना घेर लिया है भाई, भट्टी पहन वाला है। यार हम छोटे यूट्यूबर बाइक बंद कर दो बहन से गाली देके। थोड़ी देर चलो। 232 रन 20 ओवर 5 विकेट भाई स्कोर है 232 रन। अपनी फील्डिंग लगाए और दर्शक मैदान को खा
फॉर्म बदल जाओ, कोई जरूर ना हो बैठ दे तेरे हार जावे तू। अगर कादर और नौरंग कोई भी लगातार 3 छक्के मारता है तो कुर्री पहलवान 1100 रुपए नगद देंगे इनके लिए। और जो कि बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, शिकारपुर हीरोज ने दिया है कोतला की टीम को, और यहाँ से थोड़ी बैटिंग का ताबड़ तोड़ बैटिंग करनी होगी। चपकारी अच्छे का बिल्कुल मॉन्की से मिल सके भाई। आमिर पारी का पहलावर और शकील जो कि कीपरिंग नहीं करते हैं, बहुत अच्छी कीपरिंग करते हैं शकील और आमिर। चलो गौरव के लिए अच्छा स्टक वहां पर शमशाद जो कि बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं शमशाद, और अपना खाता खोला गौरव ने। और यहां पर आमिर जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पहला ओवर करते हैं अपनी टीम के लिए, काफी विकेट ले चुके हैं और आज तो काफी बल्लेबाजी में बने की तावर तोड़ बल्लेबाजी की थी। आमिर चले सामना करेंगे कादर, बहुत अच्छा था लेकिन फील्डर से अपनी मौजूद यहाँ पर इतनी अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी गेंदबाजी आमिर द्वारा। और यहाँ पर कप्तान आंसू जो कि अच्छी फील्डिंग जमाई हुई है आंसू ने, और आज कप्तान कुछ खास कर नहीं पाए लेकिन उसका योगदान शकील ने टीम के लिए बहुत अच्छा योगदान किया है। 124 रन बनाए थे 69 गेंदों पर। और यहाँ पर वो मारना चाह रहे अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और यहाँ पर जो खालिद कमेंटर है हमारे बहुत ही अच्छे कमेंटर है लेकिन आज कमेंट्री कर नहीं पा रहे हैं, आज कमेंट्री कर नहीं पा रहे हैं खालिद। आमिर चले एक बार फिर कादर के लिए, फिर से अच्छी बॉल बल्लेबाज को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर। शाहिद खान अकरम नहीं खेला भाई, अकरम कोटला का ब्लास्टर की तरफ से कोई भी बल्लेबाज 3 छक्के लगातार लगाता है तो कप के फाइनल में, तो कोटली पहलवान की तरफ से 1100 रुपए का इनाम। अच्छी बॉल वन बाउंस एम्पायर द्वारा, एम्पायर लियाकत अली द्वारा वन बाउंस, दोनों ही अच्छे एम्पायरी का तजुर्बा है दोनों ही एम्पायरों को, अच्छी एम्पायरिंग करते हुए दोनों ही। आमिर हल्के हल्के कदमों से और बहुत अच्छा शॉट, पहलवान नादर ने फील्ड किया पॉइंट की दिशा में, कोई रन नहीं, एक ओवर के बाद एक रन है भूतला का ब्लास्टर का। अगर भूतला को ब्लास्टर को ये मैच जीतना है तो पार्टनरशिप की जरूरत होगी, दोनों ही बल्लेबाजों को पावर प्ले का फायदा उठाना होगा, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करनी होगी। स्वागत पहलवान को जुम्मा पहलवान बुला रहे हैं, अकलाक भाई राहुल आए हैं, बावला का मैच है इस मैच के बाद होगा, बावला का मैच, बावला और फिरोजपुर नमक का, जो कि जबरदस्त बॉलिंग करते हैं और अच्छी बॉल शाहिन गेंद एम्पायर लेग स्टंप को छोड़ती हुई एम्पायर जप्पा द्वारा वाइड बॉल। वाइड के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 2 रन। राहुल डॉक्टर राहुल फास्ट बॉलर है ना, राहुल चले सामना करेंगे 9 रन और डिसाइन गेंदबाजी लगातार राहुल द्वारा वाइड बॉल, इस ओवर में दूसरी वाइड एम्पायर चप्पा द्वारा वाइड बॉल डाल चुके हैं राहुल, स्कोर है भूतला का ब्लास्टर। ये दोनों बल्लेबाजों को भूतला का ब्लास्टर से उम्मीद है कि दोनों बल्लेबाज पावर प्ले का फायदा उठाएं, सामना करेंगे राहुल का 9 रन और गेंद को कट करना चाहते थे एम्पायर चप्पा द्वारा वाइड बॉल, लगातार वाइड बॉल गेंदबाजी राहुल द्वारा,
जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ शिकारपुर और भोजनगर बिलासपुर के बीच में। दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई और अच्छा शोर, कोई मौका नहीं किसी के पास। चार रन गेंद से मारा के जबार, जबरदस्त शॉट था ये कवर की दिशा में। कैप्टन आशु राहुल को समझाते हुए जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ शिकारपुर हीरोज और भूतला का बिलास्टर के बीच चल रहा भाई। शिकारपुर और भूतला का काम, शिकारपुर ने 232 रन बनाए, 233 रनों का टारगेट है। एक बार फिर छोटी गेंद, एक और बेहतरीन शॉट और चार रन कनेक्ट किया बल्ले से और गेंद से मारा का बाहर। चार रन, दो गेंदों में दो चौके लगा चुके हैं नौ रन। राहुल कुछ महंगे साबित होते हुए 11 रन खर्च कर चुके हैं। इस ओवर में देखा जाए तो तीन वाइड दो चौके, अच्छी शुरुआत। कादर है, कादर इस बार राउंड द विकेट और ये बहुत ही बेहतरीन अच्छी बॉल, अपील जोरदार, लेकिन एम्पायर जप्पा द्वारा नॉट आउट। तो दबने को सवाल पैदा ना, गेंद चप्पा खा के गई थी, चपके गई थी गेंद, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त बैटिंग करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 12 रन बना लिए ब्लास्टर की तरफ से। दूसरा ओवर चल रहा है, राहुल चले एक बार फिर 9 रन के लिए। बहुत अच्छा सम्मान दिया गेंद को, अच्छी गेंद थी राहुल की, बल्लेबाज ने उसको सम्मान दिया और देना भी चाहिए क्योंकि ये अच्छी गेंद थी। 12 रन बसी भाई, कैसे हो ज्यादा है जब अच्छी गेंद पर गोंद लगती है। सुबह दिन की आवाज आ रही है नहीं आ रही है बताओ कमेंट्री। 12 रन बना दिए हैं भूतला का ने, राहुल चले एक बार फिर 9 रन के लिए। बहुत ही चसोट, लेकिन मिड ऑन फील्डर के हाथों में कैच ड्रॉप वास्तन द्वारा, एक आसान सा केस था और मौका था विकेट लेने का और उसको बेकार कर दिया वास्तन ने। और बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन वहां पर तैना मौजूद शेफिल, जब तक थिरो कर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करते हैं और बॉलिंग में फेंकते हैं शेफिल, बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे हैं ऑफ साइड में। आमिर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आएंगे, जबरदस्त बैटिंग करती हुई भूत लगे की टीम, अच्छी बैटिंग देखने को मिली है अभी तक देखा जाए तो। अगर कोई भी बल्लेबाज दो छक्के मारता है कोहली की तरफ से 1100 रुपए के नाम, और बहुत ही छह रन गेंद थी मारा के बाहर, छह रन जबरदस्त बैटिंग, ये बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग। 19 रन हो गए, पहली गेंद पर छक्का लगाकर स्वागत किया है नौरंग ने आमिर को। तीन छक्के का कोई भी बल्लेबाज मारता है तो कुर्री पहलवान की तरफ से 1100 रुपए का इनाम, लगातार तीन छक्के मारता है तो। आमिर चले बार अच्छी बॉल, डिफेंस हल्के हाथों से खेल दिया है, अच्छी शुरुआत। 19 रन 9 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं 9 रन, और कादर 5 गेंदों में भी खाता नहीं खोल पाए हैं। आमिर काफी लंबे गेंदबाज हैं जो कि कंधा का इस्तेमाल करते हैं, सटीक लाइन से गेंदबाजी करते हैं, टारगेट का पीछा कर रही है। आमिर चले एक बार और गेंद को हवा में भेजना चाहते थे लेकिन बल्लर गेंद में कोई संपर्क नहीं, रन नहीं लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अभी भी स्कोर है 19 रन। जिन बच्चों ने नाले का पानी रोका था कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए, साजिद टैंक वाले बुला रहे और उनको सम्मानित किया जाएगा। कैसे कैसे होते जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ और अच्छी है, लेकिन उतने हिम्मत से तरीके से उसको हल्के हाथों से खेला कैप्टन आशी द्वारा, उसको फील्ड किया गया कोई रन नहीं। अच्छा कमबैक आमिर के द्वारा, तीन डॉट बॉल डाल चुके हैं। आमिर चले एक बार फिर सामना करेंगे नौ रन।
और अच्छी बॉल बेहतरीन और फिर उसने चार फजल द्वारा और चार रन मिल जाएंगे बिहतला का ब्लास्टर को। एक आसान सा मौका था लेकिन शिकारपुर नीरज ने उसको गवाया। जब रुक जाते फजल ये गलती ना करें कैप्टन आसू सोच रहे हैं कि अगर आप कैच छोड़ोगे तो मैं छोड़ोगे। आसू जो की काफी अनुभवी कप्तान है वो कैच छूट चुके हैं जो की अभी तक देखा जाए तो काफी आक्रमक दिखाई दे रहे हैं। नौ रंग काफी आक्रमक अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर आमिर चले बहुत अच्छी बॉल पक्का के गेंद को मारा बल्लेबाज समझ नहीं पाए और ओवर समाप्त। 3 ओवर वाइड बॉल कर दी है एम्पायर चप्पा द्वारा वाइड बॉल पांच की वाइड बॉल की है जबरदस्त एम्पायरिंग करते हो दोनों एम्पायर शाम में करेंगे 9 रन। लेग साइड में और 4 रन दिखाई बल्लेबाज ने 9 रन में 4 रन काफी गंदी गेंदबाजी की है। 3 ओवर 28 रन वहां देखा जाए तो शिकारपुर भी 3 ओवर में 28 रन थे और बहुत लगा की ब्लास्टर टीम 28 रन लगभग अभी तक देखा जाए तो बराबरी मुकाबला लेकिन शिकारपुर हीरोज ने एक विकेट खोया था फजल के रूप में। जबरदस्त बैटिंग चलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में ये कादर आउट हो गए बहुत बड़ा विकेट क्यों यहाँ पर गिल्ली उखाड़ दी है झटका लगा है डॉक्टर राहुल ने राहुल ने सोचा 6 गेंदों में बिना खाता खोले आउट हुई कादर उर्दी ने बताया है कोर्ट में नुकसान क्या है और एक हमारे पास से बचे तो वो भी कह रहे थे लेकिन हमने उनको अनदेखा कर दिया। कोतला के ब्लास्टर का सबसे बड़ा विकेट कादर ब्लास्टर के रूप में आउट हो चुका है जो कादर अच्छी बैटिंग करते थे और बहुत बड़ा नुकसान भूत लागे को पहला झटका लगता हुआ भूत लागे को यह झटका राहुल ने दिया शिकारपुर हीरोज को मजबूत करने के लिए और शिकारपुर मजबूत स्थिति में। और 9 रंग है 9 रंग और हो तो पीछे थोड़ो बस। शिकारपुर ने 232 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। अच्छी बॉल डिफेंस अच्छा किया गेंद को अभी भी स्कोर है 28 रन 28 रन पर 1 विकेट है भाई विकेट के नुकसान पर भूतला का ब्लास्टर चौथा ओवर पारी का चलता हुआ 9 रंग 13 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं और मुजाहिद अभी क्रेज पर आए हैं। 9 रंग 28 रन चौथा ओवर गति पर अच्छी बॉल राहुल द्वारा तेज गति से गेंद बल्लेबाज समझ नहीं पाए गेंद को क्योंकि स्पीड बहुत तेज थी
जब तक बल्ला आता गेंद विकेट कीपर के दस्तानों शकील के हाथों में। राहुल एक बार फिर जफ्फा को क्रॉस करते हुए और अच्छा सो सीधे फील्डर का, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग शेगुल द्वारा। शेगुल शिकार पाकिस्तान बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं। एक बार फिर उसी दिशा में शॉट और फील्डर वहां पर शेकुल मौजूद, कोई रन नहीं, लगातार अच्छी गेंदबाजी राहुल द्वारा। राहुल ने सवर में और एक सफलता भी अपनी टीम को दिला चुके हैं। शिकारपुर ने 232 रन बनाए भाई, 233 रनों का टारगेट है, नुकसान पर 28 रन। राहुल चले एक बार फिर और अच्छा शॉट, एक हाथ से फ्लिप कर दिया है लेग साइड में, गेंद के पीछे और चार चार रन मिल जाएंगे। सारा ओवर समाप्त, बेहतरीन शॉट था, जबरदस्त बैटिंग। चार ओवर के बाद स्कोर है 32 रन, चार ओवर समाप्त। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, अगला मैच बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है नमक कपूरपुर बावला के बीच में, जो नमक कपूरपुर काफी मजबूत टीम है और अपनी बॉलिंग के लिए जानी जाती है। अच्छी बॉल नीचे रही, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। अगला मैच बावला 20 नमक कपूरपुर के बीच में मुकाबला है, जो बहुत बड़ा मुकाबला है। नमक कपूरपुर की बात की जाए तो उसने अपनी बॉलिंग से एक टीम के 7 बल्लेबाजों को घायल किया था, इतनी जबरदस्त गेंदबाजी है उनकी, वो मुकाबला देखने को मिलेगा। अच्छी बॉल शिकारपुर की बॉलिंग देखा जाए तो हरियाणा में नंबर वन की बॉलिंग है, नंबर वन की गेंदबाजी है। दोनों भाइयों की जोड़ी डॉक्टर राहुल और आमिर की, और शिकारपुर की आन और शान बान शकूर भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मास्टर आमिर चले एक बार फिर सामना करेंगे 9 रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक रन मिलेगा। फील्डर वहां पर मौजूद वास्तविक, काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं वास्तली जी, काफी मैच जिताए हैं वास्तली ने अपनी बॉलिंग दम पर। नौरंग वसाइड कर ले रहे हैं, हार्डमैन की दिशा में बहुत बेहतरीन फील्डिंग करते हैं, उन्होंने अपनी फील्डिंग के दम पर काफी मैच जिताए अपनी टीम को। चैनल और रिकॉर्डो है सुबह दिन धुलावट चैनल, सुबह दिन को सब्सक्राइब करें धुलावट वाले को। आमिर चले सामने, जय शिकारपुर 09 को। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, सीधे फील्डर के हाथों में। शेकुल ने फील्ड किया गेंद को, अभी भी स्कोर। जहां तक बात की जाए हमारे, और ये पांचवा ओवर चल रहा है, शिकारपुर हीरोज की मजबूत स्थिति, मात्र एक रन आया है। आशु कैप्टन, वॉइस कैप्टन नादर अली, गाड़ी को पांच हटाया जाए, उस बल्लेबाज को थोड़ी परेशानी हो रही है, उसे उसके सिर से हटाया जाए और गेंद को पटका के मारना चाहते थे, लेकिन थोड़ा बाउंस कर दिया गया उन्हें। खड़े आंसू के हाथों में भाई, जादू का गाड़ी सेंटर खड़ी कर दें आमिर ने अब तक, कि उसके शीर्षा से थोड़े बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है। और 9 रन 16 गेंद, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें शकील जो विकेट कीपरिंग कर रहे हैं, उन्होंने शतक मारा था, आज इस मैच के हीरो रहे हैं जो अब तक। आमिर चले एक बार फिर मुजाहिद के लिए, अच्छा डिफेंस, पांच ओवर 33 रन, धीमी गति से रन रेट लगा ब्लास्टर की तरफ से। अभी तक देखा जाए तो काफी धीमी शुरुआत, रनों पे अंकुश लगाया है शिकारपुर हीरोज ने, जिस तरह से 3 ओवर में 28 रन बना लिए थे भूतला का ब्लास्टर ने,
तक वहां पर राहुल ने तो झटका दिया बहुत लाकर ब्लास्टर को। छठा ओवर लेकर आए अरमान अपने कोटे का पहला ओवर लेके लिए युवा गेंदबाज हैं। एक विकेट का नुकसान, अच्छी गति है उनके पास, अच्छा विश्लेषण करते हैं गेंद के साथ और नौ रन और उंगलियों को इस्तेमाल करते हैं, गेंद को स्विंग कराते हैं दोनों साइड में। अरमान पावर प्ले काफी ओवर सामना करेंगे, अच्छी बॉल बैट से टकराई, कोहली ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। मिस्टर ब्लॉग भाई कमेंट्री बॉक्स में लिया सके के रन बनाए थे शिकारपुर ने 233 रन का टारगेट है। अरमान चले अच्छी बॉल हल्का से खेला और रन के लिए भागे, एक रन आसानी से पूरा किया बल्लेबाजों ने। स्कोर हुआ इस सिंगल के साथ में 34 रन। जी हमारे साथी को मन देखे कुछ गले में शायद दिक्कत हो रखी, उन्होंने ठंडा पिया था खालिद भाई, जो कि हम कोशिश करेंगे शकील उपकप्तान का फोन जिसके पास हो कमाल के लिए कमेंट बॉक्स जबरदस्त रहा और ये काफी अच्छी तरह थी छह भूत लाका की टीम जबरदस्त संघर्ष जबरदस्त कोशिश है बरकरार और जब तक केज पर हमारे साथी नौरंग पहलवान एक अच्छे युवा क्रिकेटर हैं काफी इनकी तुलना भी हम शकील या फजल से करेंगे। जबरदस्त हिट है 40 पांच ओवर 3 बॉल 40 रन 1 विकेट। अरमान चले हल्का हल्का करना है 40 रन पर 1 विकेट घोसला का ब्लास्टर और ये शायद शरीर पर गोल लगी और कोई रन नहीं। शकील ने काफी अच्छी पारी के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस और उनका दूसरा मैच है जिन्होंने अपने नाम 185 रन कर लिए हैं ईसीआर में 55 रन और यहाँ 130 रन। भैया फोन लाए शकील का फोन हमारे पास कमेंट्री बॉक्स में मास्टर कमाल मंगा रहे हैं उसको। अच्छी बॉल बल्लेबाज को भैया उसके शकील के नंबर पे फोन आ रहा है, फोन को लेके कमेंट बॉक्स में दे। हमें अगले 40 रन मैच की तैयारी करनी है छठे ओवर की, एक बॉल अभी भी बाकी है किसी पास रखो उसको। और मौका और नो बॉल एम्पायर चप्पा द्वारा नो बॉल, ये बहुत ही बड़ा मुकाबला पेरेट जप्पा द्वारा नो बॉल, अच्छी एम्पायरी तारीफ करनी होगी इस एम्पायर की, एम्पायर का अंतिम निर्णय होगा जो मान्य होगा। शिकारपुर विरोध के खिलाड़ियों से अनुरोध है जप्पा से कोई ज्यादा बहस ना करें क्योंकि ये जप्पा बहुत तगड़ी एम्पायरी करते हैं। लगभग 504वां मैच का मुकाबला में एम्पायर करते हुए जप्पा नो बॉल, एक बार नो बॉल दे दिया तो नो बॉल ही रहेगा, कोई ना है एम्पायर जप्पा के पास क्रे हिट एम्पायर जप्पा द्वारा। देखते हैं क्या फायदा उठा पाते नहीं उठा पाते क्रिकेट का और कौन हो जाता अगर क्रे हिट ना होता। फजल ने सीधे हाथों में फजल के मिगेन, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दे आज फजल कुछ कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए और 0 पर आउट हुए थे, निराश किया था लेकिन उसकी भरपाई शकील ने करी जो कि शतक मारा था 6 ओवर 41 रन। अभी शाहरुख ने हमें स्कोर बताया है, शाहरुख ने तो इस पहली पारी में बहुत अच्छी कमेंट्री की थी, काफी उत्साह के साथ कमेंट्री की थी, अब आगे का भार कुर्दी संभालेंगे कमेंट्री बॉक्स में। जी खालिद भाई बहुत ही अच्छी कमेंट्री, Thank you.
और टाउन टीम के क्या ठाट है, जबरदस्त ठाट। कैप्टन सद्दाम हुसैन को मैं ड्रेसिंग रूम में देख रहा हूँ, उनका मैच जो कि दो राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्या कमाल का आनंद लेते हुए अपने क्रिकेटरों के साथ, हुक्का और गाड़ी एक साथ, जबरदस्त क्या मुजहरा, जबरदस्त अपनी टीम को, क्योंकि उनका नाता शिकारपुर टीम से काफी नाता है, वे हमारे गांव के भांजे हैं। जबरदस्त आनंद लेते हो वे, शायद मुझे लगता है सपोर्ट शिकारपुर को करेंगे, क्योंकि उनका अच्छा आंसू कैप्टन शिकारपुर और कप्तान डॉक्टर राहुल, जो की बहुत ही अच्छे मेलजुल इंसान है बहुत ही, और इन कैप्टनों को हमारी कमेटी ने बताया है कि यही कैप्टन रहेंगे, क्योंकि बच्चे डरते हैं फजल और आमिर से। नाम आपके यहाँ शुरू कर रहा भाई, अच्छा शॉट और नौ रन के बल्ले से छह रन, पहली गेंद पर छक्का, जबरदस्त बैटिंग भाई। शायद कप्तान फजल सोच रहे होंगे कि मैं दिखा रहा हूँ लाइव, जितना मेरे को पता उतना बता देंगे भाई आपको, जो भी आपकी समस्या है अगर हो सकती है हमसे तो हम सोल्व कर देंगे भाई। स्कोर हो गया है 47 रन उत्तराखा का, फिर से खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में और एक और चौका, मिस फील्डिंग वहाँ वासिद अली राहुल है, वो राहुल है बाउंड्री में बड़े हुए, वो राहुल एक्सटेंड कर देने खिलाड़ी है, चौका नादर नादर। कप्तान फजल के को थोड़ा सोचना होगा, विचार विमर्श करना होगा, और बेहतरीन फील्डर को लगा दिया है नादर को, जो कि इसकी तुलना मोहम्मद कैफ से की जाती है। ये फील्डर आ गया तो समझो राहुल चले इस बार पूरा लॉन ऑन और मिड विकेट कवर कर लेता है, क्योंकि इस फील्डर के पास हमारी बहुत जबरदस्त लग गई हमने और खाली बहुत अच्छे, और राहुल चले इस पे विश्वास जताया है और जबरदस्त प्रहार और बहुत ही अच्छे फील्डर जिसकी तुलना 20 रन से की जाएगी आमिर, और एक अच्छी खुशखबरी हमारा जो ताउड़ी ब्लॉक का टीम होगा वो हाथी फिरका फिरोजपुर से होगा फाइनल में, उसका आनंद ले जिसमें राहुल और आमिर और फजल नसू जो की ताल्लुक रखते हैं, और एक और शायद मिस फील्डिंग सिंगल रन में संतुष्ट होना पड़ेगा, और हमारे कैप्टन आसमान ने फिर भरोसा जताया है कि वो काफी अच्छे प्लेयर है, उन्होंने हमें चैंपियन खरखड़ी में बनाया था, एक अच्छा और जबरदस्त परफॉर्मेंस राहुल लेके चले तगड़ी वापसी, जो कि पहले गेंद और नौ रन उठा के शायद गेंद सही से टकराई और ये डायरेक्टर हिट लग गया और जबरदस्त क्या राहुल ने जबरदस्त वापसी और एक बैट्समैन को आउट कराया नौ रन की, इसमें खास गलती नहीं है क्योंकि जब पहले निकल रहे थे इसको शायद लेट, और ये जबरदस्त झटका लगता हुआ भूत लगी टीम को। शाहरुख कॉमेंट्री है, खालिद भाई हमें बता रहे हैं कि उसके बगैर हमारे कॉमेंट्री में सोना सोना सा लग रहा है, और जिस भाई पर हमारा शकील उप कप्तान जिन्होंने अभी अभी हाल में शतक मारा है उसको फोन को ला के दे, उनमें झिरका मनोज त्रिस्कर वालों का कैप्टन का नंबर है भाई, बाई रिक्वेस्ट फोन को ला के दे, हमें कॉमेंट्री बॉक्स में शकील को दे, क्योंकि अगला मैच लेट हो जाएगा नई विनर हम उसको कर देंगे, टीम को विनर कर देंगे भैया, शकील का जिस भाई को फोन ला के दे उस फोन को मास्टर कमाल के दिए लियाकत एम्पायर, और एक अच्छा भाई खालिद हमें बता दे राशिद ने क्या जबरदस्त कल शो की मैच, इस ग्राउंड पे अभी तक इतना जबरदस्त मैच नहीं हुआ है, राशिद के हम जबरदस्त फैन हो चुके, उसको कल दिल्ली सिक्स में मैं अपनी तरफ से खाना खिलाऊंगा, जबरदस्त पारी जिताई थी ताउड़ बाईपास के लिए उन्होंने, जबरदस्त पारी राशिद की यादगार पारी, रहाड़ी को पराजित किया, ताउड़ के छोटे बच्चे खेलते थे जो कि सद्दाम ताउड़ की छोटी बी टीम को सपोर्ट कर रहे थे कल, मैं हम धार गए तुम्हारा मैच खेले मार्केट देख देख कापा को खेले मत
शाहरुख खान कमेंट कर प्लीज कमेंट कमेंट कर भाई और अच्छी बॉल आ सुधी दुगली बॉल समझ नहीं पाए बल्लेबाज ये बॉलर काफी अनुभवी है लगभग 350 मैच है इसका 351 मैच आशु द्वारा इसके अवर की दूसरी गेंद और पूरी तरह से बैठ गए राइट बॉल अगर आशु हैट्रिक लेता है तो 11,000 रुपए कुर्रे की तरफ से 1100 रुपए सॉरी आशु चले सामना करेंगे नौ रन अच्छी बॉल और अच्छा एक शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में वहां फील्डर मौजूद आमिर एक रन आप सामना करेंगे पॉन्टिंग जो अभी अभी क्रीज पर जबरदस्त एम्पायरिंग करते थे जप्पा एम्पायर अंतिम निर्णय होगा जप्पा का 504वां मैच है एम्पायरिंग का जप्पा का चले पॉन्टिंग के लिए और हल्के हाथ से खेल दिया पॉइंट की दिशा में मौजूद एक रन ले लेंगे तो नहीं बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ बल्लेबाजों को अगर घोटला का ब्लास्टर में जीतना है तो थोड़ी रन गति को बढ़ाना होगा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी आशु चले नौ रन के लिए बहुत ही बेहतरीन शॉट लेकिन फील्डर में अरमान मौजूद एक रन मिलेगा तो कोतला का ब्लास्टर को चांस तो लेना ही होगा किसी भी गेंदबाज को किसी एक गेंदबाज को टारगेट करना होगा 57 तरसा कहीं ना जाए अगला मैच है जो बहुत बड़ा होने वाला है इस टूर्नामेंट का शायद सबसे बड़ा मैच होगा वो आशु चले पॉइंटिंग के लिए नमक का प्रयोग किया है गेंद हवा में विकेट कीपर है और एक और आउट आसान पाउंडिंग बिना खाता खोले आउट है नहीं नहीं आशु ने बहुत बड़ा विकेट लिया है आशु बहुत ही बड़े पाउंडिंग को आउट किया है आशु ने अच्छी बॉलिंग फेंकते हैं लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं अब किसी बल्लेबाज को रिक्स लेना होगा लंबे लंबे छक्का चौका दिखाने होंगे अगर उस मैच में वापसी करनी है अगर उस मैच में भूत लागे को वापसी करनी है अगर बहुत लागे को ये मैच जीतना है तो दोनों ही बल्लेबाजों को रिक्स लेना होगा किसी भी गेंदबाज को टारगेट करना होगा और बड़े बड़े हिट दिखाने होंगे क्योंकि ये यहाँ लक्ष्य बहुत बड़ा है शिकारपुर हीरोज ने जो दिया है आप करो या मरो की स्थिति में अगर मैच हारे तो भी बाहर आपको मैच जीतना है तो चांस तो लेना ही होगा वो चांस ले सकते हैं आप आपके पास मौका है आशु चले अरबाज के लिए अच्छी गेंदबाजी एम्पायर जफ्फा द्वारा आउट 57 रन है एक बात फिर राहुल को नहीं लगाया जाए राहुल जूनियर को दूसरा ओवर लेकर आएंगे अपने कोटे का राहुल जूनियर अगर इसने अपनी चतुराई दिखाई तो बल्लेबाज को मुश्किलों में खड़ा कर देंगे कीपर को थोड़ा पास हो जाना चाहिए राहुल आए गेंदबाज करने सामना करेंगे नोरी पहली बॉल उसको डिफेंस किया अच्छी बॉल ज्यादा स्लो बॉल
27 गेंदों में 39 रन बनाकर खेल रहे हैं नोरिंग और अरबाज अभी क्रीज पर आए हैं। अब 71 गेंदों में 176 रनों का टारगेट है। बल्लेबाज को चांस मिला है, जीतना है। कमेंटेटर शाहरुख अली याद आए और फ्लाइट हिट गए और आठ बैटिंग शॉट पर बाउंड्री पर मौजूद, लेकिन चार रन बिल्डिंग समझ नहीं पाए थे गेंद को। चार रन इनके पास गति थोड़ी कम है लेकिन चतुराई काफी है। डॉक्टर राहुल समझाते हुए खाली भाई लड़का गेंदबाजी जबरदस्त कर रहा है। पहले मैच में राशिद अली से मिस फील्डिंग सिंगल रन आना था, उसके बाद में अरमान दो जबरदस्त फील्डर के रूप में जाने जाते हैं। ऑलराउंडर है, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, उससे अच्छी प्रदर्शन अपनी बॉलिंग का मुजहरा पेश करते हैं। बाकी जहाँ सिंगल रन आना था वहाँ एक बाउंड्री का मुजहरा देखने को राहुल चले। राहुल काफी अच्छे और जबरदस्त रन आउट हो सकता है और एक रन आउट हो गया। बहुत ही खराब एक जबरदस्त बैट्समैन को आउट करा था, शायद मुझे इस लड़के को छोड़ नहीं दे रहे। नौरव एक ऐसे बैट्समैन थे काफी निराश हुए और भुतला की टीम को काफी निराश किया और दूसरे बल्लेबाज ने अपनी मिस्टेक के कारण इसको आउट करा दिया। एक बॉल एक बॉल बच रही, एक बच रही। कोई भी हमारी कमेंट्री बॉक्स में हमारे सीनियर नौजवान साथियों ने बताया कैसी भी कोई आलोचना नहीं की जाए और अच्छी कमेंट्री का मुजहरा पेश करें और शायद ये मैच को मैं बुक करूंगा। एक तरफा मैच शिकारपुर के ताले में हो चुका है और अब तो शकील शायद इस मैन ऑफ द सीरीज के भी हकदार होंगे। इसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है तोड़ने के तक। वो जो कि खड़खड़ी के 100 का बचा है एक मैच, जो कि 52 रन की पारी कल जबरदस्त पारी खेली थी और ये इस टूर्नामेंट का खाइल भाई सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा शकील के नाम, जो कि इसको शिकारपुर भी बल्लेबाज तोड़ पाएंगे। फजल या आमिर, आमिर को भी मुश्किल होगा क्योंकि वो 5वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। उस टाइम शायद 5-4 और खेलने को मिलेंगे। जबरदस्त होम ग्राउंड शिकारपुर की सरसमी पर जबरदस्त मुकाबला। क्या ग्रहण हो गए रण कह रहा हूँ इसके बाद दोनों बड़ी टीम दूर दराज से आई हुई टीम उनका होम ग्राउंड शिकारपुर पर हम 61 रन पर 4 विकेट है भाई भूतला का ब्लास्टर फिलहाल। हमारे पास भूतला की टीम आई है, इसका भी ओवर की 4 बॉल विराट कोहली जिसको कोहली नाम से जानते हैं, शायद काफी फेमस इंसान है, काफी अच्छा इंसान है जो कि होम ग्राउंड टीम को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके सारे खिलाड़ी जाने पहचाने हैं। और काला जो कि कवर के क्षेत्र में 4 रन मिस फील्डिंग हुई कैप्टन आसमान मन से, ये राहुल का हौसला नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इस लड़के की गेंदबाजी काफी अच्छी है। काफी अच्छा करेगा तो क्या करेगा भैया, आगे तभी बढ़ेगा। एक बॉल बाकी है और हम एक चीज और बताएंगे हमारा मैच को देखने के लिए भाई शद्दान हुसैन आगे निकल कर खेला है। 6 रन इसको शकील के छक्के से बराबर किया जाएगा। इसने कह दिया कि मेरे पास भी ये चीज है और इसमें फिनिशर है जो नौरव भाई और एजाज अहमद ने भी बता दिया है कि वो ओनर या ऑलराउंडर के रूप में आए हैं। जबरदस्त प्रहार एजाज का, बहुत ही लखनीय चोर की तरफ छक्का मारा है। शिकारपुर को छूती हुई गेंद, जबरदस्त प्रहार, अभी भी मौका है। यदि ऐसे छक्के मारेंगे एजाज अहमद और अजरुद्दीन, जबरदस्त प्रहार। रण बता सुबह दी नहीं 71 रन 71 रन ओवर में
इस्लामाबाद में दे दिए। क्या देते भाई, डिस्टर्ब ना करो कमेंट बॉक्स में, हम अजान का एहतराम करते हैं, बाकी टाइम से पहले कमेंट बंद कर जाएगी। हमारे साथी युवा पहलवान जहीर अहमद जो की अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, जो की पाटो का गाँव से ताल्लुक रखते हैं, भूतलागा की टीम को सपोर्ट करते हुए, और कैप्टन आसमान बंद ओवर का दूसरा, अपने कोटे का दूसरा ओवर हल्के हल्के कदमों से चले अजरों के लिए, और बहुत ही जादूगर चतुराई भरी गेंद, और बैट्समैन को कोई समझ नहीं आई, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, अरबाज है वहां स्ट्राइक पर, और बहुत ही अच्छी जबरदस्त वापसी आसमान बंद की। शाहरुख के बारे में खबर, जावेद भाई क्या आप इस्लामाबाद से देख रहे हो क्या, क्या लिख रहे हो इस्लामाबाद में, अच्छा भरोसा क्या है, और एक यादगारी पारी दिलाई है शकील, और अकेला है लॉन्ग ऑन के चेज में, वहां पर डर है कि जबरदस्त फील्डिंग, जबरदस्त बहुत ही लोगों की यहां अच्छी फील्डिंग का अनुरोध कर रहे हैं। बेहतर आप सामना करेंगे एजाज, एजाज ने पिछले ओवर की लास्ट की दो गेंदों पर एक बेहतरीन चौका और एक बेहतरीन तारीफ कभी होगी खालिद भाई, दो गेंदों में 10 रन खेल रहे हैं, शाहरुख भाई की जितनी तारीफ की जाए इतनी थोड़ी, उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट किया, और एक अच्छी अनिश्चितता का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, अभी हम निश्चित चीज शिकारपुर की नहीं कह सकते, अभी तगड़ी भाई आज मोहम्मद चले हल्के कदमों से, और ये फिलहाल सिंह चतुराई पर गेंद, आंसू ने दिखा दिया है कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करता हूँ मैं, क्योंकि चैंपियन बनने से हमारी टीम को उमर मोहम्मद खरखड़ी ने दो छक्के इसके ओवर में मारे थे, जो कि इसने पहली गेंद में एक बड़ा विकेट ले लिया था, और उठा के मार दिया है फील्डर गेंद के नीचे, और जबरदस्त सैकुल ने बहुत ही जबरदस्त दूसरा विकेट अपने झोले में ले लिया है, अच्छी फील्डिंग का मुजहरा पेश किया है, जबरदस्त क्या गेंदबाजी का मुजहरा पेश करते है आसमान मंद कैप्टन विराट कोहली, हमारे अजीज दोस्त, हमारे होम ग्राउंड शिकारपुर पर मैच का आनंद लेते हुए, और उप कप्तान सद्दाम काला जो की जबरदस्त अपने हुक्का गाड़ी से निकाला, उन्होंने कह दिया कि हम शिकारपुर का मैच देखेंगे बाहर बैठकर, सपोर्ट करते हैं आस मोहम्मद की टीम को, और उनके पास में फील्डिंग करते हुए शमशाद, उनसे खास मशवरा लेते हुए, शायद मुझे लगता है कि विराट कोहली सब उनको समझा रहे कि मैं तुम्हारा सीनियर खिलाड़ी हूँ, बच्चे इस तरह खेलो, विराट कोहली की जबरदस्त पारी, जबरदस्त परफॉर्मेंस, 5 विकेट अपने नाम, दो मैचों में एक मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। नादर जिसकी बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं नादर अली, और इसकी तुलना हमारे खालिद साथी कमेंट ने बताया कि ये मोहम्मद कैफ की जगह है, जो कि 4 फील्डरों की जगह आप अकेले कवर करते हैं नादर अली, बहुत ही अच्छे फील्डर है, अच्छे लाजवाब फील्डर, इस पे भरोसा जताया है, काफी आउट फॉर्म चल रहे थे नादर अली, इस पे भरोसा जताया है आस मोहम्मद और राहुल फजल जैसे क्रिकेटरों में कि हमारे लिए अच्छा खेलेगा नादर अली, जो कि अच्छे काफी मैचों में इन्होंने और उठा के खेल दिया है, फील्डर बहुत दूर है बाउंड्री से आ रहे हैं, लेकिन एक रन मिल जाएगा बल्लेबाज, जैसा कि गुरु ने बताया है कि फील्डिंग तो शिकारपुर हीरोज की शुरू से अच्छी रही है, क्योंकि ये फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं सभी खिलाड़ी, और खास कर वास्त अली, नादर अली, राहुल मोगली के नाम से जाने जाते हैं, जो काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं। हमारे अजीज दोस्त सुनेत पालो गांव से ताल्लुक रखते हैं, हमारी कॉमेंट्री की बॉक्स शायद अपनी टीम के बारे में बताएंगे, भाई मकसूद अहमद हम इनके पहले से सवाल करते हैं, हमारे अजीज दोस्त हैं और काफी हमें मान सम्मान देते हैं, एक पाला और शिकारपुर काफी अच्छे गाँव है, दोनों उनका अच्छा नाता रहा है, उनसे हमारा भाईचारा, और इसी तरह फील्डिंग करेंगे नादर की, हम अगले टूर्नामेंट में अपने बोर्ड से गुजारिश करेंगे, अब उनकी तनख्वाह है जो 2.5 लाख रुपए है उससे बढ़कर 4 लाख रुपए कर दी जाएगी, इसी तरह की फील्डिंग नादर अली करेंगे, क्योंकि नादर अली भी पहलवान रह चुके हैं, मेरे जूनियर प्लेयर हैं, सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां फील्डर है नादर, हमारे मकसूद अहमद भाई, अच्छी फील्डिंग, एक रन का जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा पेश कर नादर अली,
बहुत ही बेहतरीन खेलर है नादर अली और अच्छा शॉट, बाप खेलर कोई है ही नहीं और चार रन मिल जाएंगे। पास पहले उसके अंदर भी वो काबिलियत है रन 11वां ओवर चल रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं तालीम के लिए और अच्छी गेंद, अच्छी बॉल और एक रन आसानी से मिल जाएगा। और हमारी अपनी टीम को पड़ोसी गांव से सिंगल के साथ गांव से ताल्लुक रखने वाली टीम को सपोर्ट करने के लिए हमारे अजीज दोस्त आमिर हुसैन और मुनफैद अली जो की बाल गांव से ताल्लुक रखते हैं हमारा काफी मनोबल बढ़ाते हैं बाल गांव में। उन्होंने कह दिया कि हमारी किसी से तालमेल खराब होता तो वो कहते हैं भैया पीछे रहो आगे हम हैं। जुनेद और मकसूद ये काफी अच्छे नेक दिल इंसान है, हमारे गांव की यदि बावला टीम बाहर हो जाती है तो उसके बाद शिकारपुर को ही सपोर्ट करते हैं। शिकारपुर बावला का टीम इन्होंने कहा कि भाई हम चाहेंगे शिकारपुर या बावला का मैच काफी आता है, सेमीफाइनल में दो बार हम उनको हरा चुके हैं उसके बाद में एक बार फाइनल में हरा चुके हैं फिर भी हमें सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई बच्चे जो लड़के अच्छे खेलेंगे हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम दर्शकों को बता दें एक अच्छी सूचना, कल जो मैच होगा फाइनल में वो हमारी रीढ़ की हड्डी माना जाएगा। फाइनल में ताऊ ब्लॉक और जिसके कैप्टन राशिद धुलावट की ओर से प्लेयर चुने हुए राहुल आमिर फजल हुसैन नस्सू बावला सकरूपुर कैप्टन जो की ताल्लुक रखते हैं अपने नजीक गोयला गांव से बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस एक पूर्व खिलाड़ी हमारे कमेटी में भाई मुस्तकीम दो दिनों से उन्होंने कहा कि भाई शिकार को मैच किया है पर उन्होंने जबरदस्त अच्छा छक्का जबरदस्त काफी दूर थे नादर अली शायद इस कैच को एक हाथ से पकड़ पाते उसके बाद बहुत ही दूर से गेंद अच्छी फील्डिंग नादर द्वारा। आगे का हाल बताएंगे भाई खालिद हुसैन कोहली बहुत ही अच्छी कॉमेंट्री करते हैं हमारे साथी और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें अगला मुकाबला बावला और नमक के फिरोजपुर के बीच में होगा वह बहुत बड़ा मुकाबला है। चले पहली बॉल पर छक्का लगा चुका है में चार रन मिल जाएंगे आसानी के साथ कोई फील्डर मौजूद नहीं दो गेंदों में दो बाउंड्री। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें जिस तरह से पहली पारी में कमेंट्री के विश्वास खान ने काबिले तारीफ कमेंट्री किया थी उसने और शिकारपुर हीरोज ने निर्णय लिया है कि शाहरुख को एक नया कमेंटर मिल जाए शिकारपुर टीम को और मेवात कप के फाइनल मैच में शाहरुख को नहीं जाया जाएगा। हतीम कमेंट्री के लिए एक बार फिर अच्छी बॉल तो चार्जिंग आ रही कहां से आई भाई मुझे लगता है कि आपसे बेटर को कमेंट्री नहीं करेगा उस होम ग्राउंड में मैं भी जा चुका हूँ मुझे आप जैसा कोई कमेंट नजर नहीं आया और आंसू से बहुत ही चतुराई बड़ी गेंद और शायद आज तो आंसू के अंदर कोई जादू आ गया है क्योंकि अच्छा लंबा खासा स्कोर था जो की इस ग्राउंड पे सबसे बड़ा वो भी एक इतिहास रचा जाएगा जो कि इस स्कोर को चेंज कर पाएगा बहुत ही बड़ा स्कोर और और शायद बहुत ही जबरदस्त लंबे हिट मारते हैं ताकि यहाँ नॉर्म कादर होते मैच में कुछ भी हो सकता था। अब आंसू को पता है कि मैच में कुछ नहीं बचा है हम जैसे भी बोल डालेंगे मैच को अपने पाले में ले लेंगे। साकिर पहलवान आगे का हाल बताएंगे हमारे लिए और बाकी एक कुश्ती हुई थी सागर पहलवान और साकिर के बीच में साकिर ने और अपने सीनियर बहुत ही अच्छी फील्डिंग ऑर्डर द्वारा जबरदस्त प्रहार और बहुत ही क्लासिक शॉट था। हम तो जी पहले ही तारीफ कर रहे थे नादर की कि मोहम्मद कैफ को बिठाओ और उसको उठाओ मोहम्मद कैफ से तुलना की जाती है नादर अली की वो तो भूतला के में गलती हो गई थी जो इससे कैच छूटी थी कैच नहीं थी वो तो बस ऐसे ही जैसे किसी ने बॉल डाला हो इसको आगे फिर भी हट गए पीछे पता नहीं मुझे आपने सही कहा कि वो तो गलती हो गई थी इससे ये वरना मोहम्मद कैफ जॉन्टी रॉयल से तुलना की जाती है हमेशा इसकी और होम ग्राउंड शिकारपुर एक अच्छी बात बताएंगे खाली ये मैच कोई भूतलाका का नहीं है जो फाइनल मैच होगा हम हर कप्तान का मान सम्मान
फाइनल ओवर जबरदस्त बिल्डिंग नागर की, क्या जबरदस्त बिल्डिंग है, शायद कोई लूज बिल्डर होते और हमें मुस्तकी ने बताया नादर अली दो कैच पकड़ेंगे। आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल पे जो नए बंदे जुड़े हुए सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और शेयर करें। अगला मैच बहुत ही बड़ा है, बावला वीएस नमक फिरोजपुर से खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में। गेंद ने भी कह दिया कि मैं नादर के पास जाऊंगी, गेंद ने बोल दिया कि मैं नादर के पास जाऊंगी। इस टीम के सबसे धाकड़ फील्डर है नादर अली, अभी तक देखा जाए तो नादर अली को जहां खड़ा किया है वहां सबसे ज्यादा गेंद आती है, माना ये फील्डिंग दर्शक बन कर ऐसा इस बार तो गेंद हवा में नादर की पहुंच से बाहर और फील्डर दर्शक बनकर छक्का का मुजाहिरा देखते हैं। पारी का चल रहा है जी खालिद भाई, हमारी कमेंट ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि भैया कोई इस चीज से मान सम्मान नहीं बढ़े टूर्नामेंट में, हम एम्पायरिंग करें या हम कमेंट्री बॉक्स में बैठे, क्योंकि खालिद भाई भी खड़ा है मैं भी खड़ा हूँ। उन्होंने बताया मुस्तकीम मास्टर कमाल ने बताया कि कोई भी यहाँ जितनी टीम हमारे इस टूर्नामेंट लंबा छक्का और छक्के ऐसे छक्के मारे लड़के, इसके लिए कम से कम ज्यादा से ज्यादा इनाम बढ़ाए भैया, इसके लिए इनाम बढ़ाए हम बोलेंगे इस लड़के के लिए। हमारे अजीज दोस्त आए हैं अच्छी दोस्त और शायद मैं ये कहूँगा और एक और बेहतरीन पर जो कि छक्के लगा चुके हैं सिया कटेला की तरफ से, और मैं ये नहीं कहूँगा काफी दूर दराज से इनाम आई है कम से कम 250 किलोमीटर दूर से, और एक हमारे क्रिकेट रोड को अपने जो कि रोड को 117 रन 5 विकेट 13 ओवर कंप्लीट भूतला का ब्लास्टर और आप सभी लोगों से दरख्वास्त है क्रिकेट वायरल लाइव को सब्सक्राइब करो। सौ के पार पहुंचता हूँ 113 रन और सोचना होगा यहाँ पर 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर भूतला का ब्लास्टर चिंताजनक है और ये बहुत अच्छा शॉट बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग 4 रन पावों के बीच में निकलता हुआ 4 रन एक और महंगा साबित होता है। वास्तव में 23 रन खर्च किए 13 ओवर के बाद 131 रन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दे दो दिन पहले मैच हुआ था ईसीआर में, उस मैच में शकील ने 15 गेंदों में फिर तुम्हारी थी नाक पर और 800 तक मारा है और 13 ओवर में 121 रन 5 विकेट के नुकसान पर अभी तो खेलना अभी भी मैच में कुछ भी हो सकता है। कम स्कोर वाला भी करते तो संभाल नहीं रहा नहीं बॉल उठेगा ग्राउंड से बाहर हो जाने ये अच्छी बेइज्जती कर रहे हैं। एनसीआर मैच की बात चल रही थी उस मैच में रिजाल ने बॉल उठाकर बॉल डाली थी एनसीआर पर में। ओए यरबाज आई हुई टीम बाल ओवर चीज रोज पर नमक के बीच में होगा और एक चीज और बता दे बहुत बड़ी टीम अनलक्की रहे एक बार हमसे उनका मैच हुआ था लास्ट गेम को 6 रन चाहिए थे और एक शिकारपुर ने 232 रन बनाए भाई 5 विकेट के नुकसान पर 232 रन 20 ओवर कंप्लीट 6 रन से जीत दिलाई थी। उसके बाद में बालागाम से ताल्लुक रखने वाले एक हमारे अजीज और लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें 27 रन चाहिए थे और जबरदस्त प्रहार और एक वाइड का इशारा अधिक रन बन गए हुआ स्कोर 123 रन हो गए 123 शिकारपुर वाले हम बता देगी भूतला गांव वालों ने कहा कि हम भी किसी से कम नहीं
और 17 बॉलों पर 41 रन बना के खेल रहे हैं, बहुत तेजी से खेल रहे हैं। पेश करते हुए भाई राहुल से ताल्लुक रखते हैं, राहुल के फजल के सबके अच्छे दोस्त है और एक अच्छी एम्पायरी करते हैं। तकरीबन मैचों का जो अनुभव एम्पायर का, कोई भी टीम हो किसी के पक्ष में नहीं जाता, अच्छा निर्णय लेते हैं फजल। शिकारपुर और भूतला का एक मैच है भाई, फिर जो फिलहाल चल रहा है, और नेक्स्ट मैच है बावले और वाको झीर का फिरोजपुर। मास्टर पनाल ने बताया कि सबका स्वागत करते हैं, कोई किसी गांव जितनी जो नेक्स्ट मैच है बावला वीएस नमक फिरोजपुर। ये लंबा एक मारना चाहता था, अच्छी बॉल फिर से एम्पायरी कमेंट्री, हमारा शिकारपुर का खड़ा होगा और बाकी बैठ के देखेंगे और बाकी आगे के लिए हमारे अजीज दोस्त मोहम्मद जो की अपने गांव को सपोर्ट करते हुए हमारे कमेंट्री बॉक्स में पुतला का को सपोर्ट करते हुए अभी अभी हमारे पास आके पानी उठा दिया है। एक नाम का फिल्डर के नीचे शमशाद, और शमशाद से हम ट्राई करेंगे कि ये एक हाथ से कैच पकड़ता है कि ट्राई का भूल जाए, आगे के लिए कम से कम दोनों हाथों से ट्राई करें। और जबरदस्त वापसी राहुल द्वारा और एक सबसे बड़ा इतिहास थैंक यू इस्लाम 786 के नाम, और एक सबसे बड़ा इतिहास शकील के नाम जिन्होंने 130 रन की नॉट आउट पारी खेली जबरदस्त शिकारपुर की, जो कि हम कहेंगे ये जीत मैन ऑफ द मैच भी हो रहेंगे। और इसके लिए हम हमारी कमेटी ने काफी नाम दिया था, 1100 रुपए लुकमान सरपंच, 1100 रुपए कुर्मी पहलवान और 500 रुपए एक सरपंच हमारे यूनुस खान जो कि हमारे लाल खा के पुल लड़के हैं, काफी नेक दिल इंसान है, 200 रुपए वसीम अकरम, और जो इसके लिए अब मैन ऑफ द सीरीज में ये आगे रहेगा। और इसके लिए हमारे सरपंच पूर्व सरपंचों ने काफी नाम की बरकरार रखी है, शकील अहमद का शाम को अच्छा स्वागत किया जाएगा, इसकी हम जो की दावत शाम को लेके यहाँ से जो की मैं इसकी यहाँ से जो की अच्छा करीम के लिए गुड़गांव जा सकते हैं, दिल्ली सिक्स हमारे बाईपास और सलमान होटल जो कि गोल चक्कर ताउड के अंदर है, इसकी भरपूर खाना दो टाइम का खिलाएंगे इसके लिए हम, आगे का हाल बताएंगे भाई खाइफ भाई। राहुल चले आमिर के लिए, अच्छी बॉल रन की गुंजाइश नहीं, ओवर समाप्त, 14 ओवर के बाद 124 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। एक सौ 9 रन की जरूरत, कितने 42 बॉल 36 बॉलों पर 109 रन की जरूरत भूतला का ब्लास्टर। हाँ मेरा है, हम गेंदबाजी करें सामना करेंगे, अच्छी बॉल मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर गेंद के पीछे, एक रन, स्कोर हो गया 125। कादर ने 6 बॉलों पे खाता नहीं खोला भाई, क्लीन बॉल आउट हुई आज। आमिर चले सामना करेंगे, आमिर अच्छी बॉल गेंद हवा में, फील्डर है वहां आंसू, और कैच आउट, 7वां झटका लगा लिया। हेलो बहुत लगा ब्लास्ट, हां शेर दिन बोल घर यूनू लगा ले यार, इन मैच से चल रहे हैं हमारे गांव में सोनर आउट कर लो। हां अरे तो बात देख तो जाओ, वाह ही नहीं बुला रहे ना, हम तो आप फेर का और आ रहे हैं, हम तो देख आ रहे हैं भैंस है। हाँ अरे 9 किलो कहाँ हम दूध, तो 5.5-6 किलो दूध बस, अब जब ही तो देख आ रहे हैं वो जा रहे ढोलावट में, हम लाए 56,000 का है।
125 रन पे 7000 का लगा 8 किलो दूध बताया 2 किलो दूध कम है वहां में जाओ जिस सुबह हम जा रहे हैं वैसे झूठ बोल रहे हो 108 रनों की जरूरत है अब 34 गेंदों में बहुत लगा ब्लास्टर हां वाह वारी साहब आलो अगर दूध बढ़ जाएगी 6 बॉलों में बिना अब इतना कुछ रहा है ना आलू मैं करो अभी खड़बाट वाट तो दियो ना तूड़ो बिना हमारे तो प्याड़ खा रही हो हाँ आमिर चले सामना करेंगे खाली अच्छी फिर क्या को हाँ माँ भेजे को पूर्व में छोड़ मत कहाँ नहीं बढ़िया हूँ नहीं क्या तेरे पे ही नहीं सभी दर्शकों को लेकिन वो आज अब और हमारी टीम के लिए ऐसे कप्तान की हमें जरूरत है भैया टीम और एम्पायर जितने चैनल चला रहे हैं और हमारी तरफ से हमारे भी दोस्त भावना या कहीं से भी आए उन्होंने आउट और जबरदस्त वापसी आमिर पर जबरदस्त वापसी जबरदस्त उन्होंने कहा कि कमेटी के अंदर जितने दूर दराज से आए वो साथियों के लिए ठंडा पिलाई जाए और कल एक मैच मुस्तकीम भाई ने बताया उस मैच को देखने के लिए और एक बहुत इन बिरयानी वालों से और भैया जूस वाले से कहूंगा कि ये लेग साइड में ले जाए अपनी रेडियो को डस्टबिन डालें ग्राउंड का हम काफी अच्छे हमारे बच्चे साफ करते हैं इस ग्राउंड में कूड़ा ना करें और हमारे बाले गांव से आए हुए साथी जो कि अपनी टीम के बारे में बताए कहाँ आ चुकी है वो टीम मास्टर कमाल ने पूरा अपना डस्टबिन डाले ग्राउंड में उड़ गए हमारे पास काफी दिक्कत होती है ग्राउंड साफ करने में और हमारे टेंट हाउस जो कि साइज ने बताया कि पेनल्टी लग जाएगी फाइन लग जाएगा जुर्माने 1100 रुपए का 8 भैया इस बच्चा बेजाज रूप कमाल मास्टर ने इसके लिए 20 गिलास दे दिए जाए दो ठंडा 2 लीटर वाली दो ठंडा 20 गिलास दे दे पैसे दे के भेजा बच्चा चले यूरोप के लिए अच्छी बॉल और ये साइड ऑफ साइड में खेलना चाहते हैं वहाँ इतना ही चतुर फील्डर है जिसको फजल के रूप में जाना जाता है फजल ने आप काफी निराश किया मगर उसकी कमी आज शकील ने पूरी कर दी 9 out 130 रन 63 गेंदों की 2 मैचों में उन्होंने 185 रन का लक्ष्य तय कर लिया है कि वो ईसीआर में 15 गेंदों पर 50 और उसी तरह मैच रोक दिया जाए पिकअप को लिया और बच्चा उठ रहा है इसमें पिकअप वाला बच्चा लगता पड़ा भैया खालिद भाई आपके लिए हमने ठंडा मंगाई कमेंट्री के लिए यार रुकवा के उतार दे और भैया इस पिकअप में बच्चा है इस पिकअप को धीरे रखिए जाए ये बच्चा उतरे दो और हमारे शाहरुख ने भाई ने बताया कि जितने भी हमारे यहाँ मान सम्मान किया जाएगा जितने अच्छे प्लेयर खेले हैं उनको बुलाया जाएगा और हम कहेंगे काफी खराब फील्डिंग सैकुंड द्वारा आज होगी इसको हम पहले नादर को हम कहा करते थे मिस्टेक करता है उनके सेना के हाथ से सैकुंड दो चौके निकाल चुके हैं सैकुंड बल्लेबाज और एक काफी अच्छा और एक काफी खराब बॉल एक अतिरिक्त बदलाव और हमारे जो कि लाइव कैमरा मैन जो मैं डल के होंगे जिन्होंने दो जगह का चोर संभाल रखा है सो की मैच का उठाते हैं हकीम प्रसारण करते हैं सीधा और सुबह दिन चालिया ने कहा धुलावड़े ने कहा कि भाई कुर्दी में मजबूरी है पर मैं मैच कल दिखाऊंगा हकीम से मैं जो कि काफी फेमस चैनल है मेरा के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जाते हैं सुबह दिन काफी अच्छे नए दिल इंसान है और हमारी टीम को सपोर्ट करते हैं सुबह दिन
और एक बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा इसके बाद में। और अगर चीज नमक के क्रोध में अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच में स्कोर बढ़कर हुआ 132। यूरफ है, राहुल चले हर बात के लिए। अच्छी बॉल खेला है, डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, फिल्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। जब तक थ्रो करते दो रन आसानी से पूरे किए बल्लेबाजों ने। 134 रन और 50 रन पूरे हो गए हैं हर बात के 22 गेंदों। राहुल चले अपने ओवर के आखिरी बॉल का सामना करें हर बार। अच्छी बॉल मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर जा रहे हैं वहां, नादिर अली, अच्छी फील्डिंग, एक रन और कहां पर तेरे आग पकड़े था। साइकिल चले हर बात के लिए, फिर से खेला है लेग साइड में, वहां फिल्डर है शाम साहब। अच्छी फील्डिंग, एक रन, दोनों बल्लेबाजों ने भागकर पूरा किया। स्कोर 137। सैकुल चले हर बात के लिए, हाँ जी ठंडा पी लें जी, इस्माइल और हनी, दादा हनी और मिला, ले लो ठंडा ले लो। और हुआ 138 रन। इस मैच के बाद दूसरा एक बेहतरीन मुकाबला होगा फिरोजपुर नमक और बावला के बीच। तीस बॉल अब 100 प्लस रन चाहिए है ना, 21 में 4 रन।139 रन पर 9 विकेट गवा चुकी है भूतला का ब्लास्टर। 17वां पारी का चल रहा है, आखिरी जोड़ी मैदान में है अरहान और अरबाज की। अरबाज 53 रन बनाकर खेल रहे हैं, लगभग जीत के नजदीक पहुंच चुके हैं शिकारपुर हीरोज।
इस मैच के बाद एक बहुत बेहतरीन मुकाबला आप दर्शकों को देखने को मिलेगा, जिसमें दोनों ही टीमों में बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैं याद दिला देता हूं आप दर्शकों को, एक भूतला का क्रिकेट टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ था दोनों ही टीमों। भाई ऑडियंस सुनिए, जहां भी हो जल्दी ठंडा पीने के लिए आ जाओ। अभी होने जा रहा है बावला और फिरोजपुर नमक के बीच, जिसमें एक ओवर में 27 रनों की जरूरत थी बावला को जीतने के लिए, और वो 27 की जगह 29 रन बना दिए थे डॉक्टर और मियाँ जी भी हैं हलीम बावला से, ऑलराउंडर है। तो उसी तरह का एक बेहतरीन मुकाबला आप दर्शकों को देखने को मिलेगा। कौन से अरमान अरमान चाहेगी क्वार्टर फाइनल मैच का बदला लिया जाए बावला से, और बावला की टीम चाहेगी कि जो उन्होंने उनको दबाव बनाया था फिरोजपुर नमक को, बहुत दबाव अरमान ने बनाए थे भाई 30-35 रन शायद, मुकाबला खेला जाए। अब आए हैं राहुल गेंदबाज करने, सामने करेंगे गेंदबाज, बेहतरीन शॉट और 6 रन। जी सैरुन भाई नस्सू खेलेगा बावला की तरफ से, बल्लेबाजी कर रहे हैं हर बार 26 गेंदों का सामना किया है। बॉलों पर 88 रन चाहिए भाई नसीम भाई, 17 बॉलों पर 88 रन चाहिए बहुत लाखे को, और एक विकेट बची है 31 की रिकॉर्ड है, बना सके जब पहले चक्का मार दे नामुमकिन कुछ भी ना क्या वजह मुमकिन तो ना पर समझते लगा। अरे एक बॉल पे जब 11 में हमारे राहुल डॉन ने तो देखो ना मैच उत्मन से थी बताइए ना छूट गया बस मौसम न कर उन्होंने कह के दे मैंने छूट गया मैं बस न कर तू ही बॉलर है जब कर हां यार मन से दे मैं वाइड यार वाइड कहां है भाई 16 बॉलों पर 88 रन की जरूरत है नसीम जमीदार भाई, यहाँ लीग में लीग नहीं है ये टूर्नामेंट है, जो टीम जीतेगी वो जेलदार जेलदार भाई राउंड में प्रवेश कर जाएगी, और जो टीम हारेगी वो अपने घर की तरफ रास्ता पकड़ लेगी। कैसा तो टूर्नामेंट में ये होता है, चुप बहुत पानी बॉल खराब ना हो रही, फिर से खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में बेहतरीन फील्डिंग वहाँ नादिर अली की, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए, डाइव लगा कर गेंद को रोका। मैं तो एक कॉक प्या दूंगा बालक मान निर्माई ना मैच के बाद मैं पूरे हो जाऊंगा राहुल चले, एक और अच्छी बॉल और बाई के रूप में 4 रन मिल जाएंगे। और 150 रन पूरे हो गए हैं भूतला का ब्लास्टर के, मैच 13 गेंदों में 83 रनों का खेल बाकी है, लास्ट बॉलिंग भाई मैं बॉलिंग का आ गया वह ज्यादा हल्की बॉलिंग जो कूटे उन्हें भाई बल्लेबाज का आदर ठीक है वो ठीक बिना जो तगड़ी बॉलिंग डर रहा हूँ और समाप्त। दो बच रहे हैं दिल करो से करो आशीष दा आशीष डाल दें
टीम था इन थोड़ी ना आ जाए पानी गई और रोक ले रहा ऑडियंस में ताजा ऑडियंस में अगर यहाँ सर्टिफिकेट लेते हैं काला है 11,000 रुपया सर्रो और 21,000 रुपया शौकत देंगे 25,000 रुपया मिलेगा करम भूतला का भाई हार की तार टीम भाई भूतला का हार की आप तो मजा ले रहे हैं सिक्स चल छक्का दे देता हमको कोई टेंशन मत ले यार हम ना जीत रहे छक्का कमरा का अगर आसिफ विकेट लेते हैं तो मुस्तकीम हार जा रहे भूतला का हार गए भाई जो इस टूर्नामेंट में आप मेन ऑफ द मैच रह चुके हैं उसके लिए हम मतलब फ्रेंडली खेल रहा है उसके हाथों से आपके लिए मेन ऑफ द मैच खिलाएंगे भैया अभी हाँ भाई हम भी थोड़ी ना कह रहे हैं जी हार क्यों से कह रहे हैं मतलब मजाक के तौर पे ना कह रहे भाई और से कह रहे हैं धन्यवाद करें आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे और नेक्स्ट मैच VS नमक फिरोजपुर खड़खड़ी ने अरे यार हार जीत तो होती रहा है भाई नकील आइयो भाई मैं नोट में ले लूं अरे ही नहीं कर रहे थे हमरा आगे आ जा हमने ही नहीं कर लिया ले 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 मेरे दोस्त भाई वैसे लेंगे वहां चलो वहां में ले और नहीं ले और आज से खिला रहा आज चली देख मैं नोट में मैं दूंगा मैं ले लिया हां मैं नोट में कौन संकेत दे दो आज वैसे के उसके लिए हम मान सम्मान रखते हैं आए हुए साथी भाई जुनैद अहमद सुवेदिन गुजारिश है भैया पहले कमेटी में आए फाइन लगा दिया जाएगा शकील के लिए एक बेहतरीन पारी के लिए शतक बनाया मेडल शतक अपनी जिंदगी का और अपनी करियर का बहुत बहुत बधाई शकील भाई के लिए तालियां बजाओ भाई दर्शकों स्नैपचैट में बड़ा लगा स्नैपचैट में चल जा लाइव की देख लो और कल इन तम फाइनल में कैसा रहा बहुत लाता है क्यों क्यों पागल है मान जाइए और से टोटक बन जाओ शकील की जबरदस्त जबरदस्त जो भी इन्होंने